कल के दिन यही बच्चा तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा। दुश्मन कैसे बन जाएगा? उससे बदला लिए बगैर नहीं छोड़ना है, चाहे अम्मा बाबा क्यों ना रहे। बहुत यानी नेक माँ बाप रहते तो उसको कोई डरने की बात ही नहीं है। अगर इसका बेटा यानी नेक नहीं है, 1 करोड़ की मैं बेच दिया आप उनको, बड़े लोग बांट लिए, बच्चे का हक मान लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका इस्तकबाल है खैर और शर प्रोग्राम में। आज का मौजू जो है बहुत इंपॉर्टेंट मौजू रहेगा, जिसके बारे में तरबियत के बारे में रहेगा, बच्चों की तरबियत के बारे में। तमन आप बोलेंगे मेरे को तो ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, मगर बहुत जनों को ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो माँ बाप के बारे में या बच्चों के लिए या बहुत जो जितने भी घर हैं फैमिलीज हैं उन लोगों के लिए बहुत इंशाल्लाह इस्तेफादा होएगा, और आगे जाके हमारे भी इस्तेफादा होने वाला चाहिए चीज़ से इंशाल्लाह। और हम आगे बढ़ते बढ़ते पूछेंगे, शेख तरबियत आसान है या हार्ड चीज़ है? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिही व सहबिही अजमईन। तरबियत से मुराद के कुछ इंसान के सलूक में अच्छे अंदाज और अच्छे मामला करने का एक बुनियाद बिठाया जाता है, और ज़िंदगी में लोग पर्सनैलिटी डेवलप भी बोलकर लोगों की शख्सियत में कुछ अच्छे सिफात डालना चाहते हैं जो उनसे दुनिया की तरक्की के लिए अक्सर करते हैं। मगर ईमान वाले हमेशा ये तरबियत से सिर्फ दुनिया की तरक्की नहीं बल्कि अल्लाह सुब्हान व तआला के नज़दीक भी बड़े दर्जात और बुलंदी मुकाम हासिल करना चाहते हैं। मामला तरबियत का बहुत से उमूर है जो माहौल से इंसान को इफ़ेक्ट कर देता है, और ये सबसे बड़ा डेंजर है। माहौल जितना ख़राब होता है उतना ज़िंदगी के अशख़ास और अफराद जो वहाँ से बढ़ के बड़े होते हैं तो उनकी आदतों में उनकी फितरतों में कुछ गलत चीज़ें बैठ जाते हैं, जो कि उसके ऊपर ध्यान पहले से नहीं देखने की वजह से माँ बाप वो मामला इस तरीके से बिगड़ जाता है। हम इंशाअल्लाह ताला आज की बैठक में थोड़ा सा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ अंदाज तरबियत के कैसे थे और किसके साथ, बच्चों के साथ, औरतों के साथ, बीवियों के साथ और माशरे के अंदर साथियों के साथ बहुत से अखलाकियात है जो आज हमारे सोसाइटी में वो चीज़ मौजूद नहीं। आज बच्चों की माँ बाप की नाफरमानी क्यों ज़्यादा होती है? तरबियत की वजह से। औलाद को आप दुनिया का पैसा देकर उसको अखलाक और तरबियत और समझदारी नहीं दिलाएंगे तो पैसा लुटाकर बर्बाद भी हो जाएगा, ना दुनिया का रहेगा ना आखरत का रहेगा। तो यहाँ पर तरबियत एक मामला ऐसा है जो बच्चों के अंदर बचपन से एक सलूक, एक अखलाकियात और एक बुनियादी चीज़ है जिसके ऊपर कोई कंप्रमाइज़ करने की गुंजाइश नहीं रखता है, और वो चीज़ के अंदर इस्लाम भी इजाज़त नहीं देता है कि आप कोई आपके साथ बुरा सलूक करे, बदतमीज़ी करे तो आप भी जहालत से जवाब दें या आप भी जहालत से। क्यों? क्योंकि इस्लाम कंपटीशन कराने के लिए कहा है, मगर नेक अच्छे मैदान में। हाँ, बहुत से यानी शेख लोगों को देखते हैं यानी उनका बच्चा बहुत शरीर रहता है ऐसा, यानी कि तरबियत सही नहीं हुई, तो यानी ये चीज़ तरबियत माँ बाप के वजह से होती, यानी अगर उसके माँ बाप सही नहीं है तो बच्चा भी गलत निकलता। थोड़ों के माँ बाप सही रहते मगर बच्चा फिर भी गलत निकलता, तो इसमें किसको ब्लेम करना चाहिए? यानी माँ बाप को ब्लेम करना या बच्चे को कुछ ब्लेम करना, कैसा है इसमें? हमारे माशरे के अंदर सबसे बड़ी गलती क्या होती है जानते हैं? कि बच्चों को छोटे रहने की उम्र से तवज्जो ही नहीं देते और समझते उन्हें छोटा है, बाद में उसको बताएंगे, वो बाद में करेंगे। ये सबसे बड़ी डेंजर चीज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक महफिल में थे, उनके घर में ही लोग आकर बैठे हैं, वहाँ पर सीधे हाथ पे एक बच्चा है जो 11-12 साल, गुलाम जिसको कहते हैं, और बाकी के महफिल में बड़े लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग भी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रिंसिपल सुन्नत क्या थी? राइट, सीधे हाथ से शुरू करते थे। अब सीधे हाथ पे एक बच्चा है, बाकी के बड़े अफराद हैं, हमारे पास क्या करते अक्सर, जब बड़े लोग बैठते हैं बच्चों को अंदर भेजा जाते, जाओ बच्चे अंदर बैठो, बड़ों के बीच में नहीं बिठाते। ये बहुत बड़ी गलती है। बच्चों को बड़ों के साथ बैठने दो ताकि वो लोग सीखे बड़ों का अंदाज़, बड़ों का तरीक़ा, बड़ों का तहजीब, जब जाके उनके अंदर एक प्रैक्टिकल तालीमी और तरबियती अंदाज हो जाता है। अगर वो बच्चा आपके सामने बैठ के नहीं सीखेगा, कल के दिन आपकी किसी ऐसी महफिल में ऐसी शर्मिंदगी का मामला कर देगा
जो आप पहले से एक्सपेक्ट नहीं करे थे। हाँ क्यों? क्योंकि पहले से उसको इस लाइन में लाया नहीं गया। बराबर। तो यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गुलाम से कहते हैं, या गुलाम अतअज़न ली अन अब्दा बिल किबार, अरे बेटे क्या आप इजाज़त देते हैं कि मैं ये पिलाना शुरू करूँ बुज़ुर्ग बड़े लोगों से। जी। तो बच्चे की समझदारी देखिए, उसने देखा कि मामला किसी और के हाथ से नहीं है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ की चीज़ है। तो कहा मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ, मेरे से ही शुरू की। अब सोचो ये बच्चे को कौन समझ दिया इतना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे माजरत खा होकर बोले मैं क्या करूँ, वो अपना हक ही मांग रहा है। तो वहीं से शुरू करें। तो क्या हुआ कि वो छोटे बच्चे की भी इज्जत और रिस्पेक्ट बड़ों के बीच रखे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा क्या है हमारे पास किसी को पूछते नहीं, वहाँ से यहाँ से शुरू कर देते हैं, तो वो फ़र्क करता है बहुत से चीज़ों में। अब यहाँ पर देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक बच्चों के साथ भी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ा रहे, इमाम हैं, और नमाज पढ़ने में एक काफ़ी लंबा तवील सजदा हो गया। सहाबा कराम पीछे परेशान, इतना लंबा सजदा कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं किए। तो एक सहाबी तो उठकर भी देखने लगा, हो सकता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ बिच्छू काटा होगा, कुछ हो गया होगा, बेहोश पड़ गए होंगे, यानी कि इतना लंबा के डाउट में आ जाता है इंसान, अरे कुछ हुआ क्या। तो काफ़ी लंबे सजदे के बाद फिर अल्लाह अकबर उठकर उठे, नमाज पूरी हुई, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेरने के बाद सहाबा किराम को ये कहे, शायद तुम लोग मेरे लंबे सजदे से थोड़ा तशवीश में आ गए होंगे। मामला ये था कि मैं जब सजदे में था, मेरे दो छोटे नवासे हसन और हुसैन, छोटे बच्चे हैं, वो लोग के लिए मैं वहाँ पे घोड़ा बनता हूँ, तो वो मेरी पीठ पे सवार होते हैं, खेलते हैं। बच्चों के साथ ये खेल इस अंदाज से, कभी माँ बाप बड़ापन अपना छोड़कर बच्चों के सारा का बचपन अपना लेकर उनके सामने इक्वल हुए नहीं, ये बहुत कम दिखता है। तो बच्चों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीठ पर लेकर घोड़ा बनते, उनको फिराते, तो वो लोग नमाज की हालत में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए, वो लोग का दरवाजा वहीं था, तो दरवाजे से घुस के देखे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए घोड़े बन के रखे हुए हैं, तो वो लोग पीठ पे सवार हो गए। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिहाज और अखलाकियात देखिए, ये बच्चे छोटे हैं और उम्मत पीछे नमाज पढ़ रही है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को भी फरमाए, असल में मेरे दो नवासे आए, मेरी पीठ पे सवार हो गए, तो मैं नहीं चाहा वो बच्चों का डिस्टर्ब कर दूं, उठकर गिर जाएंगे या खेल दिल नहीं भरा उनका नमाज में, तो नमाज में तो उनका दिल भरने दो, फिर जब वो उतर के चले गए, जब मैं अल्लाह अकबर उठकर उठा, तो इससे क्या मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में सारी दुनिया को लेकर चल रहे, तो भी बच्चों का लिहाज, बच्चों का दिल नहीं दुखाए थोड़े नहीं। आज माँ बाप कितने बच्चों को झिड़की से बात करते, बच्चों के सामने बड़ों का झगड़ा, बड़ों की गाली गलौज, बड़ों की एक दूसरे की बेइज्जती करना, ये सारी तरबियत। तो यहाँ पर बच्चों का लिहाज करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हद तक रिस्पेक्ट दे कि नमाज में भी अल्लाह के सामने ठहरे तो भी बच्चों का केयरिंग। हत्ता के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में रिवायत है हदीस में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में रहते हैं, और जब क्योंकि औरतें भी नमाज पढ़ते थे नबी के पीछे वहाँ पर, तो जब बच्चों के रोने की आवाज़ आती, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जल्दी जल्दी ख़त्म करते, क्योंकि माँ का दिल बच्चे पे है और बच्चे का दिल माँ के पे। अच्छा, सोचिए कितना फीलिंग, इतना फीलिंग का केयरिंग करने वाला नबी हमारी उम्मत को तालीम दिए हैं, और ये उम्मत आज तक को तालीम से महरूम है। अल्लाह रहम करे। अच्छा शेख, ये थोड़े यानी जो माँ बाप रहते हैं उन लोग, हालांकि बच्चों को बहुत यानी नेक माँ बाप रहते हैं, ओके, लेकिन फिर भी उन लोगों के बच्चे या तो शिर्क पे मरते हैं, या तो नऊज़ुबिल्लाह बहुत कम है ऐसे केस जो कुफर पे भी मरते हैं। इन यानी इसमें किसकी गलती है, माँ बाप की है या बच्चे की है? इसमें माँ बाप की बुनियादी तालीम और तरबियत, अकायदी और ईमानी, ये चीज़ के ऊपर माँ बाप जोर नहीं देने की वजह से दुनिया में औलाद भटक जाते हैं। हाँ, क्योंकि फाउंडेशन मजबूत नहीं है। जी, फाउंडेशन इंसान को अल्लाह सुब्हान तआला की वहदानियत, ईमान बिल्लाह, नमाज, ज़कात, ये इस्लाम के बुनियादी चीज़ें हैं, ये हर मुसलमान पे फ़र्ज है और वो सीखना भी फ़र्ज है। अब आप सोचो कि एक झाड़ है, दरख्त है, वो उठने के लिए उसको पानी अच्छा मिल रहा है, मगर आसपास की मिट्टी और गंदगी उसके आसपास में आ चुकी है, झाड़ ग्रोथ होने से मर जाता हूँ। माँ बाप बच्चे बड़े होते हैं खा पी कर, तालीम दुनिया के असरी लेकर, मगर दीन और सही अखलाकी तरबियत अगर नहीं लेंगे, तो फिर ये सारा
मामला बिगड़ के एक ही दिन में गिर सकता है। हाँ। और जो नौजवान लड़के लड़कियां जो आज ईमान को छोड़कर कुफर में जाते हैं, ये लोग के घर में ईमानी तरबियत या इस्लाम की अहमियत या माँ बाप नमाज परहेजगारी करने वालों में से नहीं रहते अक्सर, हाँ। जिसकी वजह से ये गफलत में आते हैं। हाँ। उसके साथ साथ एक मामला दूसरा भी हम देखते हैं कि बाज़ माँ बाप बच्चों को नमाज का और इबादत का अच्छा जोर देते हैं, हाँ। मगर वो लोग खुद अपने खुद के अखलाकियात और गुफ्तगू जबान दराजी उनके अंदर बहुत घर में मौजूद है। हाँ। किसी से भी बात करें झगड़े में इतने बदतरीन अल्फाज जो मोमिन की सिफत में है ही नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस में, लैसल मुमिनु बित्तआन वलल लआन वलल फाहिश वलल बदी। ईमान वाला हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता है मुसलमान जो बदजुबानी करे और फुहश कलामी करे और गाली गलौज करे। अरे भाई, कोई भी गंदगी में कंपटीशन करता है तो हम गंदगी में कंपटीशन नहीं कर सकते। खुद अल-अफ़्वा वअमुर बिल-उर्फ़ वअअ'रिज़ अन-जाहिलीन। अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिए कि ऐसे जाहिलों के साथ मुंह मत लगाइए। और ये बच्चों का मामला जो शुरू से बुनियादी अकायद और ईमान की मजबूती नहीं दी जाती, जड़ें ढीले हैं, एक हवा में एक बारिश में नीचे गिर सकता है दरख्त, तो वो मामला हो रहा है। अगर जड़ें मजबूत हुए तो अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाया कुरान मजीद में, ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة। जब अच्छी बात करके बच्चों के अंदर अच्छी ईमानी अफरोजी उनके अंदर पैदा करके बिठाते रहते हैं, उसकी मिसाल अच्छी बात की अल्लाह ताला फरमाए كشجرة طيبة, एक अच्छा दरख्त, أصلها ثابت, उसके जड़ें मजबूत हैं, وفرعها في السماء, और झाड़ की ऊंचाई आसमान तक ऊंचाई तक जाती है, تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها, अल्लाह के करम से ये दरख्त की फल फूल छांव ठंडक नज़ारा सब कुछ अच्छे अंदाज़ से ये दरख्त से देखने से खुशी होती है, फ़ायदा होता है सबको। وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ, और जो बुरी बात होती है, बदज़बानी होती है, जो ईमान बिल्लाह से दूर करती है और अखलाक मोमिन के दायरे से उसको बाहर करती है, फुहश कलामी, गीबत, नमीमत, झूठ, ये सारी चीज़ें ज़बान के बुरे बुरे उमूर है। अल्लाह ताला क्या फरमाए कि शजरतिन खबीसा, अल्लाह ताला बताए कि ये बुरी बात एक बुरे दरख्त की तरह اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار, ये जमीन से उखाड़ कर टूट कर गिर के चले जाएगी, इसकी कोई बुनियाद नहीं है। يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا, इसके बाद क्या देखिए अल्लाह ताला बोले किसको साबित कदम मजबूती मिलती, जो ईमान लाए और ये जिंदगी का ये इसको अख्तियार करें। तो माँ बाप को हमेशा घर के अंदर बच्चों को छोटी उम्र के, और कुछ वक्त और मरहला आता है जो माँ बाप ही बच्चों के लिए बेस्ट एग्जांपल रहते हैं। अगर आप बेस्ट एग्जांपल अपने आप को हटाकर बैड एग्जांपल बनेंगे तो बच्चों को उसके बाद आप कुछ भी बोलिए असर नहीं होता। आज कितने माँ बाप ऐसे हैं जो घर में बच्चे को बोलते हैं झूठ नहीं बोलना, सच बोलना, फिर जब कोई फ़ोन आता बाबा सोने बोलो, घर में नहीं है बोलो। बच्चा कंफ्यूज हो जाता, बोलता हमको एक चीज सीखा है, फिर गए तो बाहर बोल रहे बाबा नहीं है बोल दो घर में। अल्लाह रहम करे। तो फोनों पे भी कई बच्चों को फोन उठाकर यार, तो ये औरतों में मर्दों में जब ये आदत आते तो आपका पूरा इस्लाही बात का कोई असर नहीं है। बराबर। तो यहाँ पर हकीकत ये है कि हमारा कसूर है कि बुनियादी प्रिंसिपल चीजों के ऊपर अपन कायम रहना। शोहर बीवी बच्चों के सामने कभी अपना झगड़ा नहीं लाना, ये बहुत बड़ी गलती होती है तरबियत में। जिधर माँ बाप झगड़े में आते हैं बच्चों के अंदर निफाक पैदा होता है। अच्छा। निफाक मतलब कि माँ बाप अपने झगड़े में बच्चों को अपना फेवर में लेना चाहते हैं। हाँ। तो हर कोई बच्चे की तरफदारी करता है ताकि बच्चा, जैसा कि एक इलेक्शन वोट है, हमारे एरिया में आना, हमको मिलना। तो उसमें क्या होता, बच्चा ये समझ जाता अच्छा इन लोग में लड़ाई हुई तो मेरा ही फायदा है, इन्हों भी देते। तो ये बहुत बड़ी फितना है आज के दौर में, और बच्चा जहन से हट जाता और किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता बाद में, क्योंकि हर कोई अपनी मनमानी दिखाए हुआ। अच्छा, ये तरबियत में किसका ज्यादा रोल है, यानी माँ बाप में कौन करना चाहिए तरबियत में, यानी बच्चे को कुरान सिखाना या उसको अच्छी तरबियत देना या अच्छी तालीम देना, यानी ये यानी अम्मी के ऊपर रहता है या वालिद वालिद के ऊपर रहता है? ये पूरे जिम्मेदारी मुस्लिम सोसाइटी की भी रहती है। मुस्लिम माशरे के अंदर जब आप माशरा नेक बनाते तो सब आसपास में नेक ही बनेंगे। जब माशरा बुरा होता है तो वहाँ पर भी बुराई शुरू होती है। आप किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है सिर्फ माँ बाप की, बल्कि यहाँ पर
बहुत से उमूर है जो लोग की समझ में आना चाहिए कि पड़ोस अपने पड़ोस का ज़िम्मेदार भी होता है और मस्जिद के साथियाँ एक दूसरे के इस्लाह करने वाले होते हैं। सोसाइटी माहौल ये जो बनता है इस माहौल के ज़रिए से बहुत चीज़ें हैं, मगर मेन माँ बाप है क्योंकि वो लोग डायरेक्ट ज़िम्मेदार है औलाद के। अल्लाह ताला फरमाए कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रायतिही, तुम सब के सब ज़िम्मेदार है और उसके मातहत जो भी अल्लाह ताला जिसको ज़िम्मेदारी में दिया है आपके आपको उनके बारे में पूछ होने वाली है। वल मरअतु राइयतुन फी बैति ज़ौजिहा, एक ख़ास हुक्म दिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि औरत भी ज़िम्मेदार है अपने शोहर के खाविन के घर में। वह मसूलतुन अन रायतिहा, शोहर जब मौजूद नहीं रहता है तो बच्चों के अंदर नेकी इस्लाह तरबियत, माँ का गोद ही पहला स्कूल है बच्चों के लिए और माँ अगर नेक सालिह है तो औलाद के अंदर नेकी सलाह पैदा होती है। अगर नहीं दीनी तालीम माँ के पास नहीं है तो हम एडवाइस करते हैं कि दीन की तालीम, ऐसा नहीं है कि छोटे उम्र में ही पढ़ना था बड़े हो गए तो नहीं पढ़ सकते। दीन की तालीम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल मुस्लिम, हर मुसलमान पर दीन का इल्म सीखना लाजमी है। तो ये माँ बाप हमेशा जितनी जिम्मेदारी लेकर खिलाना पिलाना सेहत को देखना पढ़ाना लिखाना ये अच्छी बात है, मगर ये दुनिया के हद तक उसकी मजबूती है। आखिरत में आपको इसके ईमान के बारे में पूछूंगी, आपको इसकी अखलाक के बारे में पूछूंगी, ये क्यों नहीं सिखाए क्यों नहीं बताए, ये बुनियादी चीज़ है और यही चीज़ दुनिया आखिरत में भी काम आती है। इसलिए कि ये ज़िम्मेदारी सिर्फ माँ के ऊपर वालिद के ऊपर नहीं, सिर्फ दोनों की भी ज़िम्मेदारी रहती है। अब आप सोचो, जो एक वाक़या छोटा सा मेरे सामने आया था कि एक हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो भी सूरह कुल हुवल्लाहु अहद 10 मरतबा पढ़ेंगे गोया कि अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में भी घर बनाता है। तो एक माँ अपने बच्चे के साथ कहती है चलो बेटा अपन पढ़ेंगे कुल हुवल्लाहु अहद 10 मरतबा, तो बेटा बोलता माँ को नहीं नहीं माँ आप मत पढ़ो मैं पढ़ लेता हूँ। तो माँ पूछती क्यों मैं नहीं पढ़ूँ? हाँ बोलता है ना मैं तुमको मेरे घर में रखता हूँ। हालांकि ये तरबियत ऐसा हुई और आज उठने के बाद देखो एक माँ ऐसे 10 बच्चों को पाल के देखभाल करके बड़े करती है। बुढ़ापे में एक बच्चा अपनी एक माँ को संभाल नहीं सकते इतने 10 बच्चे होने के बाद, इल्ला माशाल्लाह। बहुत कम लोग इस चीज़ को हासिल करते हैं, माँ बाप को बोझ की नज़र से देखते हैं बुढ़ापे में, हालांकि अल्लाह का हुक्म है कि तुम्हारी जन्नत इनके ज़रिए से मिलने वाली है, अल्लाह की रज़ा उनसे में है। तो यहाँ पर माँ बाप की दोनों का रोल है कि बच्चों के अखलाकियात और उमूर जो बिगड़ते हैं दोनों एक दूसरे को बताना कि देखो बच्चे के अंदर ये हो रहा है बच्ची के अंदर ऐसा आ रहा है, तो हम दोनों मिलकर उसके साथ ऐसा रवैया करना। तो वो इस्लाह दोनों की ज़रूरी है। इख्तिलाफ़ हमेशा शर होता और खैर और शर में फ़र्क है कि खैर हमेशा खैर ही लाता है, शर हमेशा शर ही लाता है। फिर माँ बाप की ज़िम्मेदारी है कि बच्चा किसके माहौल में दोस्ताना में जा रहा है। कई माँ बाप अच्छे नेक हैं मगर उनके बच्चे कुछ गलत सोहबत में चले गए, वो दोस्तों का असर इतना बुरा हुआ कि माँ बाप ज़िंदगी भर पछता क्या ऐसे दोस्तों के साथ क्यों जाने दिया। और ये माँ बाप हमेशा दोनों ज़िंदगी में उनका सरमाया क्या है, उनका सरमाया मतलब उनका बजट क्या है लाइफ का, आपसे सवाल कर रहा हूँ। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है थैले में, ये थैला लेके गली गली फिरते आप? नहीं, क्या होगा? लूट मारी, सिक्योर नहीं रहते और ख़तरा रहता आपके ऊपर। बहुत बुरा। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ नाजरीन, आप लोग के औलाद 1 करोड़ की में बेचते आप उनको या 2 करोड़ में बेचते? मैं खरीदने को रेडी हूँ। या अल्लाह, देखिए आप अपने औलाद का सौदा करोड़ों में भी नहीं बेचते क्योंकि अपना खून अपनी औलाद है। तो आप सोचिए कि 1 करोड़ को लेके फिर नहीं सकते यहाँ वहाँ गली गली रोडों पे, आप अपने औलाद को किसके हवाले छोड़ के बैठे हैं? कौन उनका दोस्त है, कौन उनका साथी है? करोड़ों का आपका माल नुकसान में जा रहा, आपका बच्चा तो कीमती है ना उससे ज्यादा, तो उसके अंदर असल दौलत आने के बजाय उसको चिल्लर पड़े पे छोड़कर ऐसी दोस्ताने में रखे जो ना कोई नमाज ना कोई इबादत ना बल्कि बुराई और बेहयाई और गलत रास्ते के एडिक्टेड बुरे चीज़ों के नशे उमूर में भी चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहाने थे
नहीं उसका दोस्त पैसे वाला है उसे नहीं चुड़ाते, नहीं भाई अच्छा। पैसे वाला रहने दो, गाड़ी वाला रहने दो, मिनिस्टर का बेटा रहने दो, अगर जहन्नुम को लग जा रहा तो उसके ऐसी की तैसी क्या फायदा फिर यहाँ पर दुनिया वालों का मियार सबसे बड़ा गलत है कि माँ बाप भी आज तुलना करते हैं कि कोई मालदार वाला है तो उसकी इज्जत, उसकी खुशामद, उसकी चापलूसी करते हैं, और एक कम इंसान है मगर सच्चा इंसान है उसकी वैल्यू गिरा देते हैं। ये तरबियत का एक बहुत गलत अंदाज है जो विजन दिया जाता है बच्चों के सामने। बच्चों के सामने वो दिया जाए जो दीन का इल्म रखता, अमल करता, लोग को हिदायत देता, उसकी वैल्यू रखो। अच्छा, और इसमें क्या चीज हो सकती है माँ बाप के लिए फायदे में बोले? सबसे ज्यादा कि माँ बाप बच्चों के अंदर एक इन्वेस्ट करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि इंसान के मरने के बाद इदमा तबन आदम अनकता अमल, आपके नेकियां जो आपको काम आते हैं वो रास्ता बंद हो गया, इनकम सोर्स बंद हो गया तो इंसान जीता नहीं। तो आखिरत में कामयाबी से और फायदे से जीना है तो आपका कुछ इन्वेस्ट यहाँ से आपको रिटर्न देना, वहाँ पे वो खाते में डिपॉजिट होते रहना। तो डिपॉजिट होने के लिए सब रास्ते बंद हो जाते हैं। आप तो जिंदगी में जितना कर लिए उतना ही हो गया, अब आपके पीछे वाले करेंगे नहीं करेंगे उसका भरोसा नहीं है। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इदमा, अगर किसी आदम के औलाद का इंतकाल हो जाए तो उसके नेकियां पहुँचने से बंद हो जाते हैं, सिवाय तीन रास्ते से आते रहते हैं। सदकतिन जारिया, कोई सदक़े जारिया करना, जैसा कि कोई ज़मीन के अंदर हिस्सा लेना मस्जिद के लिए, या कोई मस्जिद में हिस्सा लेना, या कोई कुआ खुदा कर, या किसी को कुछ बाग से यानी पनाह देकर उनको खिलाना पिलाना है, गरीबों की मदद करना, या कुछ ऐसा ज़रिया बनाना जो मरने के बाद भी वो ज़रिया चलते रहे, जैसा कि इल्म इंतफा में इल्म नफा बख्श जो वो हो जाता है, और सदक़तिन जारिया, सदक़े जारिया। और सदक़े जारिया में सबसे बड़ा सदक़े जारिया आप अपने औलाद के अंदर दीन का इल्म भी दें, ये भी सदक़े जारिया में आता है, और उनको जैसा कि सूरह फातिहा जब पढ़ाते हैं जिंदगी भर सूरह फातिहा पढ़ते रहेंगे, उसका अजर किसको आएगा? आपको ही आएगा। मरने के बाद वो अपने औलाद को सिखाएंगे तो वो आएगा। तो माँ बाप ऐसे चीज़ें बच्चों को सिखाना बेसिक वक्त में बेहतर है कि कोई मोल साहब को लाके मोल साहब सिखा दिया अजरपुर मोल साहब को चलेगा। माँ बाप ये बिल्कुल ये असल चीज है। तो जिंदगी में माँ बाप नेकी को कंपटीशन करके बच्चों के अंदर वो फिटनेस डालना, ईमान की फिटनेस। फिर अव्वलन सालिहन यदउल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए या कोई नेक सालिह औलाद, और नेक सालिह औलाद को आपके दीन के इल्म से और आपके कुछ सदक़े जारिया से भी अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करता है। अच्छा, अगर इसका बेटा है नेक नहीं है, अल्लाह ताला हर औलाद नेकी जो करती है उसका अजर माँ बाप को दे देता है बगैर नियत करने के लिए। यानी कि अगर मेरे औलाद मौजूद है और वो लोग नेक सालिह अमल कर रहे हैं, मैं उनको उस चीज़ के ऊपर पाबंद कराया, हिदायत दिया और ये चीज़ के ऊपर सख्ती करा कि अल्लाह की बंदगी में रहना, ये नेक सालिह अमल करना, तो वो लोग माँ बाप जिंदा रहे या मर मौत हो गई तो माँ बाप को अजर चलता ही रहता औलाद का अमल से। मगर औलाद के गुनाह से अगर माँ बाप उनको सिखाए नहीं, आगाह करे नहीं, उनको नसीहत करे नहीं, उनको पहले से वो चीज़ की तालीम नहीं दिए, तो बालिग होने के बाद माँ बाप जिम्मेदार नहीं होते हैं इल्ला नसीहत करने के हद तक जब मालूम हुआ। मगर अगर बचपन से ही नहीं सिखाया तो वहाँ गुनहगारी उनके ऊपर आती है, क्योंकि बच्चों को आगाह करना था बुराई से। तो औलाद जब बुराई करेंगे बड़े होने के बाद, बालिग होने के बाद, और माँ बाप नहीं है तो माँ बाप को गुनाह नहीं पहुँचता, क्योंकि माँ बाप अपना फर्ज अदा कर चुके हैं। नहीं, बच्चों को सिखाने से ऐसा भी है कि जैसा कि इन्वेस्ट करे सरकार उन लोगों के ऊपर, ये आप सिखा रहे हैं इन्वेस्ट है। और दूसरी चीज़ यानी आप 60 साल जी रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, यानी भरोसा तो नहीं है मौत का हया का, मगर एक बच्चा है यानी तो उसके उम्र में एड ऑन और आगे साला हुए वैसा, हालांकि उसका इंतकाल हो गया, उसका अमल रुक गया, मगर उसके बच्चे की वजह से और उसको मिलते जाता ऐसा, वो बच्चे के बच्चे भी आते हो सकता। अच्छा, उसके बाद जनरेशन बाई जनरेशन कितना बड़ा रखा है। इसलिए असल चीज में इन्वेस्ट नहीं करते लोग और बेकार की चीजों में इन्वेस्ट करके जाते। अब सोचो आप अल्लाह ताला कुरान मजीद में क्या फरमाए, अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याकूब अल मौत, क्या तुम वहां पर हाजिर थे क्या जिस वक्त मौत हाजिर हुई याकूब अलैहिस्सलाम की? मौत के बिस्तर पे है, इज़ क़ाल लिबनी, अपने बेटों को इकट्ठा करें, क्या बोले, मा तअबुदून मिन बादी, मेरे बाद तुम किसकी बंदगी करेंगे, इबादत करेंगे? वो लोग उनके नज़र के सामने उनकी ज़िंदगी में बचपन से अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, शिर्क नहीं कर रहे, तो फिर भी मौत के वक्त पूछ रहे कि किसकी बंदगी करेंगे मेरे बाद। क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाहा आबाक इब्राहिम व इस्माईल व इसहाक,
उसी रब की बात करेंगे जो इब्राहिम और आप दादा परदादा जो भी थे उनके। अच्छा, अब सवाल ये है, मरने के वक्त यहाँ दुनिया वाले जायजात की फिक्र करते, पैगंबरों को क्या हिदायत अल्लाह ताला आपको और हमको दे रहा है ये अमल से कि आप बड़े हो गए और बच्चे आपके सामने भी मुवाहिद है, नमाजी है, वो है, फिर भी आपका काम है जताना मरे दम तक। अल्लाह सुब्हान ताला कुरान मजीद में एक आयत जिक्र हुई है और ये आयत बहुत अहमियत वाली आयत है। इसमें अल्लाह सुब्हान ताला बयान फरमाए कि जो जिंदगी के अंदर आपकी और हमारे लोगों की जो जुदाइयाँ होते हैं ना, उसके बहुत से रीज़न हैं। कभी झगड़े से नातफाक़े होकर जुदा हो जाते हैं, ख़ानदाना कट कर लेते हैं दूसरे को, कभी शोहर भी में तलाक होता जुदाई होती, खुला होता जुदाई होती, कोई मौत हो जाती जुदाई होती। तो ये जुदाइयाँ टेम्पररी है, वक्तिया तौर की। कैसा है? यानी कि सबसे बड़ी जुदाई जब कोई जन्नत को जाए और जहन्नम को जाए। अल्लाह, ये जुदाई से बचना है। वल्लदीन आमनू, और जो लोग ईमान लाए, वत्तबअतहुम ذُرِّيَّتَهُمْ भी ईमान, और उनके आल औलाद सब के सब इसी ईमान के रास्ते को अपनाए, उसके ऊपर फॉलो करें। अल्हक़ना बिहिम ذُرِّيَّتَهُمْ, हम उनके गेट टुगेदर हमेशा का परमानेंट दे देते हैं। वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शय, उनके कोई अमल को ज़ाया नहीं करते हैं। तो इससे अंदाज़ हुआ कि गेट टुगेदर, हालांकि एक का काम कम ज़्यादा होगा तो गेट टुगेदर क्यों हुआ, ये आयत खुद बता रही है। अच्छा, कि ईमान की दौलत, ईमान की बरकत, अल्लाह की बंदगी और सच्ची ज़िंदगी जीना, अल्लाह को खुश राज़ी करने के लिए, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। जो हमेशा की गैदरिंग आपकी, आपके भाइयों की, बहनों की, माँ बाप की, हमेशा के लिए क़यामत में परमानेंट हो जाती है। हाँ, तो गेट टुगेदर बोले तो अब ऊपर नीचे का मसला नहीं हुआ, साथ में छे सब। हाँ हाँ हाँ, आजकल हम अल्लाह रहम करे नहीं, बहुत घरों में देखे वालिद और वालदा दोनों एक चीज़ में है, यानी क्यों मैं करूँ तुम करो, मैं कल उठाई नमाज को आज तुम उठाओ, मैं ईद देख रही हूँ बच्चों को, तुम सुबह से बाहर है। यहाँ पर ये कोई इंसान जब अपने औलाद की तरबियत करता या उनकी ईमान की ज़िंदगी बनाता, ये एहसान आप अपने ऊपर कर रहे हैं। हाँ, यानी जब अल्लाह से ले लिया अजर, खलास अजर तो मिल जाता है, मगर बोल आप अपने आप को गुनाह से भी बचा लिए, सजा से बचा लिए। अगर आप उनको बुराई पे देखकर खामोशी इख्तियार करेंगे, आप भी बुराई में गुनहगार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको हुक्म आया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन रा मिनकु मुनकरन फलयुगयिरहु बियदिहि। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, तुम में से अगर कोई चीज़ की बुराई नज़र आती है, बुराई मतलब जो अल्लाह के ख़िलाफ़ वर्जी अमल, जो अल्लाह नहीं पसंद करता है वो अमल, फलयुगयिरहु बियदिहि, तो तुम अगर साहिब अथॉरिटी तुम्हारा घर है, तुम्हारी जगह है, तो तुम उसको अपने हाथ से उसको चेंज कर दो, बुराई को हटा दो। फ़इन लम यस्ततिअ, अगर आपकी अथॉरिटी वो जगह पर नहीं है, किसी दूसरों के घर में है, किसी कॉमन जगह पर है, फबिलिसान है, तो कम से कम एडवाइस करो ज़बान से कि गलत चीज़ है, ये मत करो। फ़इन लम यस्ततिअ, अगर वहाँ पर भी गुंजाइश नहीं हुई ज़बान से तब्दीली करने की, फबिकल्बे, तो दिल में उस चीज़ को बुरा मानना कि अल्लाह आप ये चीज़ को नहीं पसंद करते, मैं भी नहीं पसंद करता, मुझे गवारा नहीं हो रहा है। अच्छा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद क्या हुक्म जारी करें, وليس وراء ذلك حبة خردل من ايمان, اگر دل میں بھی اس کو ملال اور برا نہیں دکھتا ہے برائی کو, تو دل میں اس کا ایک دانہ برابر ایمان نہیں رہا باقی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ایمان ہی ختم کرا دیا, دل میں ہے ہی نہیں۔ آج ہمارے گھروں میں بہت سے برائیاں ہوتے ہیں اور کیونکہ ماں باپ یوز ٹو ہو گئے اس کے, تو برائی کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی بولتا ہی نہیں۔ بچے ٹی وی میں بے حیائی پورے سیریل گانے باجے ہوتے, آج ماں باپ بولتے ہیں ہم بول بول کے تھک گئے, अब क्या करेंगे, बोलना जब भी दिखा बोलना, ऐसा थक गए बहाना नहीं है। लेकिन माँ बाप बोलते मगर, यानी मैं जहाँ देखा यानी तरीका गलत यूज़ करते। ये मामला जब किसी के पास पहले से प्रिपरेशन, ये वक्त
उस वक्त का नहीं है बात, ये हमेशा पहले से ही छोटे से, हाँ वो जब से डाले तो बच्चों को समझ आ गई कि ये बुरा है ये बात। बाज बच्चों के अंदर माँ बाप का डर की वजह से सामने नहीं देखते, बुराई नहीं करते, तो ये अच्छी चीज है माना में कि उसके दिल में एहसास है कि ये गलत है। मगर क्या फायदा हुआ कि माँ बाप बच्चों को अखलाकियात और अच्छी चीजों में अच्छी सोहबत में रहो बोलते और उनके साथ ही बैठ के एक बड़ा मूवी फिल्म टीवी लगा के देखते और उसके अंदर जितने भी चीजें गलत हो रही बच्चों को एहसास होता कि मेरे माँ बाप इसको अग्री कर रहे हैं इसलिए देख रहे हैं। ये बहुत डेंजर मैसेज जाता, तो वो बद अखलाकियात और सलूकियात बच्चों के अंदर दाखिल होते। यहाँ तक के मोबाइल के जरिए से बाज बच्चों के गेमों के अंदर बुरी तरबियत होती, बाज बच्चों के उनके कुछ खास क्लिपा देखते हुए उसके अंदर भी खराबी आ जाती। तो शेख हम आज देख रहे हैं यानी 70% जो है माँ बाप से बच्चा यानी तरबियत लेता और बाकी का जो 30% है उसके दोस्तों के साथ या स्कूल से या फिर मोबाइलों से और आजकल सोशल मीडिया, सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा दौर है, बहुत बड़ा असर है यानी बच्चों के ऊपर आजकल वो। बेशक ये चीज़ का मामला 70% माँ बाप का बचपन में से कुछ बुलूक के हद तक होता, उसके बाद चेंज होता रहता पैटर्न। हाँ। मगर माँ बाप की जिम्मेदारी तो डायरेक्ट रहती है। हाँ। सोशल मीडिया के अंदर भी माँ बाप अगर पहले से तरबियत बुनियादी दे दिए बच्चे को, ये हराम है हराम के करीब नहीं जाना, ये हलाल है ये जायज़ चीज़, ये अल्लाह का हुक्म है ताज गुजारी करना, ये अगर बच्चों में फिट हो गई तो उस दुनिया की कोई बुराई खराबी उसको बिगाड़ नहीं कर सकती क्योंकि उसके जड़ें मजबूत है और उसमें हक पे है। मगर आज दुनिया वाले अपना माहौल जो बना लिए हैं सोशल मीडिया के ज़रिए से वो किलर माहौल है, अखलाकियात को भी गिराता, बेहयाई को भी फैलाता। और आज देखो कि बड़े बड़े उलमा स्कॉलर्स जिसको लोग फॉलो करके देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग भी हैं, मगर उससे ज़्यादा बेहयाई नाचने गाने वाले खेलने वाले और जो झूठे हंसी मजाक फनी जोक बनाते उनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं। इससे क्या मालूम हुआ कि दुनिया किस रुख पर जा रही है, गफलत और बेकार की चीज़ में। तो उसमें अगर बच्चा वही माहौल से मुतासर इतना जल्दी हो गया इसका मतलब आपकी तरबियत का कुछ जोर कमज़ोर था, तो उसमें आप उसको और दूसरे चीज़ों में बिजी कर देना जो नेक सालह अमल है। अहले इल्म जैसा कहते हैं कि अपने आप को उस मामले में मसरूफ़ रखो जिसमें आपकी दुनिया और आखिरत की इस्लाह हो जाए। बेहतर है कि दुनिया वाले ये करे मैं भी ये करूँगा, उन लोग ये खरीदे मैं भी ये खरीदूँगा, वो लोग वहाँ घूमने गए मैं भी घूमने जाऊँगा। इसमें एक मिसाल भी ले लीजिए आप कि ज़िंदगी एक समंदर है और आप एक आइलैंड में हैं, समझो ये आइलैंड में है, आप यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आपके तीन बच्चे हैं, एक बच्चा उसको तैरना नहीं आता बेचारा बीच में जाके डूब सकता, क्यों? ज़िंदगी के हालात से उसको ईमान की रस्सी नहीं है, उसके पास ज़िंदगी के मजबूतियाँ नहीं पैदा करे ना तरबियत दी आप उसको, तो उन्हें ये समंदर में डूब सकता। दूसरा बेटा है जो उन्हें तीर के जाके काम करके वापस आता, इसकी काबिलियत और इसकी सलाहियत और इसके अंदर भरोसा है कि मैं कर सकता हूँ। तीसरा बेटा है जो उन्हें तीर के जाता और रास्ते में जितने भी डूबने वाले हैं उनको बचा के निकालता, कौन बेहतर है? तीसरा वाला। तो ये माँ बाप का काम है, अपने औलाद को भी बचाओ उनके दोस्तों साथियों को भी बचाओ। ये सिर्फ अपने हद तक नहीं है, आप अपने बेटे से वो नौकरी लगाओ कि वो अपने दोस्तों को इस्लाह करे ना कि उनकी बिगाड़ देकर आए। हद तक यहाँ तक एक आफत आ गई आजकल हमारे सोसाइटी में, बोलना भी पड़ता हमको, उमरा को इबादत के लिए लोग जाते हैं, यहाँ एक तफरी हो गई, कंपटीशन हो गया, लोग हज को नहीं जाके यहाँ खर्जा लेके जा रहे हैं सूद से। अल्लाह, यानी कि सूद जो हराम है, अल्लाह रसूल से जंग है, अल्लाह रसूल से यहाँ से जंग लड़ रहे हैं फिर जाके वहां से तवाफ करके माफी चाह रहे हैं, ये कौन सा इंसाफ है, कौन सा ईमान है? ये सुलूक बहुत डेंजर है। आज बहुत से लोग सोने को रहन में रखकर उमरा को गए सूद देने के अग्रीमेंट साइन करके। अल्लाह अकबर, मैं देख के परेशान हो गया, मैं बोला भाई उमरा तो फर्ज नहीं है ना, अल्लाह ताला आपसे पूछेंगे आप उमरा करें या नहीं करें। आज एक फैशन है, ट्रेंड बन गया बाज लोगों के पास, बाज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की इबादत के लिए उम्रतु इलल उम्र कफारा लिमा बैनहुमा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए एक उम्र से दूसरे उम्र तक उसके बीच में कफारा हो जाता है। बाज लोग क्या करते, अब गए सोते को 10 उम्र कर लेते, हालांकि एक दिन में दूसरे दिन तक कितने गुनाह हुए, ऐसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं करे थे, काफी लोग को नहीं मालूम इसके बारे में। तो लोग समझते कि हम जितने उम्र करें हमारे माँ का उम्र, बाप का उम्र, भाई का उम्र, नाना का, खाला का, उनका इंतकाल हुआ, पूरों के उम्र करते 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 एक 10 दिन में 10 उम्र कर लेते, तो समझते ये बहुत
बड़ा काम कर लिए, नहीं ऐसा नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा बीवी जो जिसको चाहते थे खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, उसके बारे में कभी सुने नहीं आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदल उमरा करें। नबी के चाचा हमजा जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत चाहते थे और बोले सईद शुहदा शहीदों के साथ, उनके बारे में कोई उमरा करने का हुक्म नहीं आया, ना सहाबा किराम किसी और की तरफ से करें। उमरा आपके लिए है और एक उमरा और दूसरे उमरा के फासले में जो भी गुनाह है उसकी कफ़ारा की गुंजाइश है। उससे ज़्यादा अफजल हज जो आपके ऊपर फ़र्ज अल्लाह ताला रखा, वही उमरा के पैसे जमा करो, शायद आपका हज हो जाता, जो फ़र्ज चीज़ है। बाज़ लोग ये गुनाह में गिर रहे हैं, उनको पता नहीं है कि हज के लिए पैसे जमा करके गए, कर्जा भी लेकर, और खासदार को बोले भाई हमको कुछ हो गया तो आप माफ़ कर दीजिए, हम कैसा भी अदा करेंगे, वो तो भी उसके लिए हज के लिए करे तो एक फरीजत ज़िंदगी भर पूछ है इसकी, अगर इस्तेआत रख के नहीं करेंगे तो गुनहगार होंगे। उमरा की कोई पूछ नहीं है अल्लाह के नज़दीक। अच्छा, अल्लाह वाले। तो ये माँ बाप की तरबियत खैर में हमेशा जितनी आती है, और बच्चों को नेक काम में लेके अपन उठते हैं बैठते हैं, बच्चों को सदका देने का सिखाते हैं, बेटा घर से निकलने से पहले 5 रुपये सदका डाल दो डब्बे में, सदके जा रही है, ये बच्चों के अंदर एक अखलाकियात बहुत बड़ी कीमती चीज़ है। आज मेरे पास भी कुछ बच्चे आए थे, वो बच्चे माशाल्लाह कुरान हिफ्ज करने के माहौल से मदरसे से जुड़ के आए, तो देखे कि खैरात सदकात की अहमियत है। बच्चों की उम्र कोई भी 10 साल से 8 साल से बढ़ के नहीं है, छोटे हैं। हर कोई तीनों तीनों अपना डब्बा लाए और बोले शेख साहब हम आपको ये डब्बा दे रहे हैं, इसमें हम गल्ला जमा करें, हम चॉकलेट वॉकलेट नहीं खा के ये मस्जिद को दे रहे हैं। बोला ये माँ बाप की तरबियत है जो बच्चों के अंदर ये चीज़ का एहसास पैदा करे कि अल्लाह का घर हमारे चॉकलेट हमारे खिलौनों से ज़्यादा बेहतर है। जब दीन अजीज होता बच्चों के दिलों में, आपके इज्जत और मुकाम आपका भी बढ़ता और बच्चों का भी दुनिया आखिरत में भी अल्लाह मुकाम आता फरमाता। ये चीज़ बहुत बड़ी तरबियत के अंदर ये खैर है, मगर काफ़ी माँ बाप अपने औलाद को ये खैर से महरूम रखे और ख़ुद भी महरूम रहे। यानी मैं भी एक चीज़ याद आई मेरे को, जब मैं भी यानी स्कूल में था तो बहुत बुरे बच्चे भी थे, यानी अब उन लोगों के सामने मैं ऐसा तो नहीं रहता हूँ कि मैं तुम लोगों से डरे हुआ हूँ या तुम लोगों से बात नहीं करता हूँ, स्कूल है बात करना पड़ता, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ऐसा हुआ कि उन लोग जो गलत काम करते जैसा कि बहुत गलत शौका है वैसा, यानी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी नहीं गया उसमें उन लोगों के उसमें, मगर एक दो को सही रास्ते पे भी लाया अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माँ बाप की तरबियत के हिसाब से। वैसा नहीं, यानी मैं बात तो नहीं करना चाह रहा हूँ, मगर यानी मैं तुम लोगों से नहीं डरता हूँ। नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर का मसला नहीं है यहाँ पे, जो हक पे है कभी नहीं डरता। चोर के दिल में चोरी रहती, अगर चोरी किया तो उसको डर है तब जो पकड़ा जाएगा, बदनाम हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा, मगर इसके अंदर एक तरबियती अंदाज भी बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है। एक मुझे वाक़ा याद आता है स्कूल के अंदर का, जब स्कूल बोले आप, वो एक बच्चा किसी होटल में, यानी कि बच्चा बोले तो बड़ा हो गया था, 30-35 साल का शादी हो गई थी, तो किसी बड़े हजरत को देख के जाके उसकी सर पे बोसा लेके उसको हाथ पकड़ के चुमा लेके, तो उन्हें बोला कौन है आप, मैं नहीं पहचाना। तो वो बच्चा बोला सर आप मेरे को पढ़ाए थे फलान स्कूल में, फलान स्कूल में मेरी इज्जत जो आप मेरे को बचा के रखे, आज मैं उतना काबिल बन के फलान पोस्ट पे मैं मिनिस्ट्री में हूँ, क्या हिस्सा है। उस्ताद की तरबियती अंदाज देखिए, ये टीचरों के लिए भी सबक है। तो कहता है क्लास में एक बच्चा घड़ी लाया था एक अच्छी भारी वाली, और मैं ये घड़ी चुरा लिया था। और ये घड़ी मैं चुरा लिया था उससे। तो वो कंप्लेन करते ही अब सबकी तलाशी लेने का था क्लास में, तो सर सबकी तलाशी खुद मेरे जेब में थी घड़ी, इतना डर है बट अब मेरी इज्जत निकल जाती है, पूरा उसके सामने बदनाम हो जाए स्कूल के सामने, तो चोर चोर बोल के मेरे को पुकारेंगे वो करेंगे। तो सर जैसा भी सब चीज़ चेक कर लिए वो देख लिए, और मेरे हाथ में जेब में डाल के घड़ी महसूस करे, तो उन्होंने एक अलग अंदाज से टिशू हाथ में लेकर वो कर रहे थे, तो टिशू में वो घड़ी भी ले लिए और बोले क्लास में सब बैठ जाओ, कोई भी नहीं लिया घड़ी उनकी, कई दूसरी जगह से लेकर आके बोला ये देखो घड़ी, हाँ तुम भूल गए बेटा, उसको लेके दे दिया। अच्छा, तो ये बच्चा बोल रहा तुम मेरी इज्जत जो बचाए ना उस दिन, मैं ज़िंदगी भर इरादा करके तौबा कर लिया कि आइंदा किसी चीज़ को हराम में नहीं लूँगा, और जब से अपनी इस्लाह जो करा हूँ मैं आज इतना काबिल बना हूँ आपकी सिर्फ एक इज्जत बचाने की वजह से। तो कहने का मकसद क्या, कभी टीचरों को देखना चाहिए, लिहाज करना चाहिए कि बच्चों की छोटी उम्र में जो फीलिंग है ना वो बहुत बड़ी फीलिंग है।
सऊदीया के एक बड़े बिजनेसमैन है राजही, जो बल्कि राजही बोलकर सऊदीया में फेमस है। वो आदमी बिलियनर है और खैर काम में भी बहुत करता है माशाल्लाह से। वो अपनी स्टोरी सुनाकर, उसके एक उस्ताद थे, सर थे, इजिप्शियन थे मिस्र के, तो तकरीबन 20 साल पहले या 15 साल पहले वो अपने सर का एड्रेस निकाल कर उस सर के लिए भारी विल्ला दिलाए उनकी कंट्री में, अच्छी गाड़ी दिए और उनको कुछ अच्छा रकम भी दिए। बोले ये एहसान है इनका कि मैं जब छोटा था स्कूल में, स्कूल की पिकनिक थी और जाने के वास्ते कितने देना था, 1 रियाल, और हमारे पास हालत खस्ता है उसके वक्त, मेरे पास 1 रियाल भी नहीं था, तो ये सर मेरे को लाके यही दे दिए, 1 रियाल ले जाओ बेटा पिकनिक कर लो। तो वो रियाल मेरी जिंदगी का खुशी का मामला था, इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया, बस वो उस्ताद को अपना फैन बना लिया कि यही उस्ताद से सीखना है इनसे, तो वो पढ़ाई भी मुझे। तो जब अल्लाह ताला इनके हालात असबाब बनाया तो उस्ताद का रिटर्न क्या करे, ताज्जुब करेंगे कि एहसान मंद याद रखना। तो टीचरों के अंदर भी अखलाकियात और बच्चों को जिम्मेदारी से समझाना, भलाई बुराई और अच्छी बात बुरी बात क्या है, सिर्फ एजुकेशन सिलेबस पढ़ा दिए काफ़ी नहीं है, टीचरों की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों का दिल, दिमाग और वक्त आपके हवाले करे हैं, तो आप बच्चे की और बच्ची की तरबियत में, इस्लाह में क्या हिस्सा लिए। और सारे मदारिस वालों के लिए, स्कूल्स के लिए भी जिम्मेदारों को बताया जाता है कि एक क्लास कम से कम आधे घंटे का पीरियड सिर्फ इस्लामी अखलाकियात सिखाइए। और अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ मदारिस जो दीनी मिजाज रखते हैं वो लोग सिखाते हैं नबी के आदाब, नबी के दुआएं, नबी के बहुत से चीज़ें, अल्लाह जज़ा खैर दे उसमें बरकत दे, क्योंकि ये असल बुनियाद चीज़ है। अब आप जैसा स्कूल के बारे में बोल रहे हैं, यानी हमारे स्कूलों में, मैक्सिमम स्कूलों में या मार से समझाते या अभी एक चीज़ करते, तुम्हारे पास क्या है, तुम दीवाने हैं, नहीं समझते, डलर है, यानी बहुत पूरी क्लास के सामने जो, यानी कि बच्चों की इंसल्ट तो बहुत करते हैं हमारे, ये बहुत डेंजर किलर पॉइंट है। कभी भी माँ बाप भी ये सुलूक नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ, यानी कि बच्चा या बच्ची कोई भी छोटी गलती करे ना, उसको गिन देते सबके सामने कभी, और कभी उसके अकेले के सामने भी, कि तू ना समझ है, तू बेवकूफ़ है, तेरे को उल्लू बना दिए, तू नहीं समझ सकता, तेरे अंदर काबिलियत नहीं है, तू बेकार है, ये अल्फाज बहुत डेंजर अल्फाज है, बच्चों की कॉन्फिडेंस को टोटली किल कर देती है। बच्चा आगे बढ़ने के बजाय उसको कंपेयर करते, माँ बाप देख उन्होंने ऐसा करे, उनका बच्चा देख कैसा करा, दूसरों से कंपेयर करके बच्चों को किल मत कीजिए, ये सबसे बड़ी डेंजर चीज है। ये माँ बाप जो करते हैं हरकत के, नहीं दूसरी बच्ची को उनकी बच्ची से कंपेयर करा के, देख उन्हें कितना अच्छा करी, उन्हें इतना अच्छा करी, अरे भाई तो तुम अपनी औलाद को इंकरेज करने के बजाय उसको डिस्करेज करके उसको और किल क्यों करते हैं। हमेशा माँ बाप अगर बच्चों से चीड़ आती है कि माँ बाप की बात अच्छी नहीं दिख रही, नहीं उन लोग से बात करना दिल नहीं बोला, उसकी वजह कि आपकी बात सही होंगी मगर अंदाज गलत होगा। बच्चों को कभी ये मैसेज मत दो कि तुम बुरे है, तुम बेकार है, ये मैसेज कभी नहीं आना। तुम उनकी इस्लाह करना चाहते हैं तो आकर बोलो बेटा माशाल्लाह आपके अंदर नमाजों की पाबंदी है, आप साफ सुथरे रहते, आप टाइम टेबल से जाते करते, उसके अच्छाइयां गिनो और उसको बोलो बेटा ये एक खामी क्यों रखते तुम, समझे ना, तो उसके अच्छाइयां जब गिनते तो उसको मालूम होता कि ये मेरे खैर खा है, मगर जब सिर्फ उसको गिनना चाहते हैं तो ये सबसे बड़ी गलती है। उसी तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में जाइए, जब बच्चा या बच्चे कुछ अच्छा काम करते माँ बाप उसको कितनी शाबाशी देते, नजरअंदाजी कर देते, क्या बड़ा काम करे, वो सा बड़ा काम करे, नऊज़ुबिल्लाह, नहीं, बच्चों के अंदर इंकरेज करना अच्छी चीज़ों पर, उसको इनाम देना, शाबाशी देना, माँ अपनी बेटी की गले लगाकर प्राउड है बोलकर फील करना, उसको दे रहे हैं फीलिंग, अगर ये फीलिंग नहीं देंगे तो फिर बाहर वाला फीलिंग देते चले जाती बच्ची घर छोड़ के गैर मुस्लिम के साथ, ये हो रहा हकीकत में। तो यहाँ पर फीलिंग की मिसिंग बहुत बड़ी होती है, और इंकरेज और डिस्करेज के अंदर खैर शर ये है कि आप अपना बच्चा काबिल है और उसको और काबिल बनाओ। यूरोप और अमेरिका में एक चीज़ है, वहाँ फेल इंसान को इंकरेज करके सक्सेस बनाते हैं, यहाँ पर सक्सेस इंसान की टांग खींच के उसको नीचे गिराते हैं। हकीकत यानी कि कोई अच्छा तरक्की कर रहा
तो हासिदीन आकर नहीं भाई वो उन्होंने ऐसा करते, उनके पास ऐसा है, दूसरे चीजों की खामियां निकाल के बताते, वो अच्छी चीज में आके फॉलो नहीं करते। तो ये हमारी उम्मत की एक सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ी खराबी है। अच्छाइयां तो याद रखो, कुछ भलाई करा तो उस भलाई में फॉलो करो, बुराई में क्यों फॉलो करते। सही है। हाँ अच्छा शेख, यानी अब मेरे को भी ऐसा दिख रहा, मैं भी एक ऐसे शख्स में से रहूँगा कि यानी मानो जो वालिद साहब यानी बहुत बिजी रहते, यानी उनका यानी बच्चों के लिए जमाने के लिए, उन लोगों के यानी लाइफ सेट करने के लिए, अच्छा जो बिजी बहुत रहते शेड्यूल, इनका यानी यानी टाइम कैसा निकालना बच्चों के लिए, कितना यानी 24 घंटे दिन में, उसमें से 24 घंटे में से 8 घंटे तो नींद में चल जाते और बाकी के काम पे और यहाँ पे वहाँ पे यानी मसरूफियात जो रहते, तो कितना टाइम यानी बच्चों के लिए देना चाहिए। ये बेशक अहम वाला मामला है आज दुनियादारी के खातिर। उन्हें कहता है मैं मेहनत कर रहा हूँ, कारोबार कर रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ वहाँ पे, किसके लिए कमा रहा हूँ, बच्चों के लिए। हाँ। अगर वो कमाई आप बच्चों में फ़ायदेमंद देखना चाहते हैं तो बच्चों को वो चीज़ को गमाने से उनको समझदार और ईमान वाले बनाओ, जब जाके उन्हें पैसों की भी कदर करेगा और जायज़ चीज़ में खर्च करेंगे और गलत चीज़ से बचेंगे। मगर आप एक घंटा, आधा घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट हसब हालात वक्त देकर, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी थी, क्योंकि बाज़ माँ बाप अपने बच्चों की इस्लाह में एक दिन एक रात में 24 घंटे लेक्चर देते रहते तो बच्चे बेजार होकर भाग जाते, अरे भाई इन्होंने हमेशा बोलते ही चलते। वो बोलना अलग बात है, कभी माँ बाप बच्चों को ऑर्डर देने से बजाय बेटी को माँ कहती है बेटा चलो मैं नमाज़ पढ़ लूँ तुम भी आ जाओ, ऐसा बोलेंगे तो अलग बात है कि उठो जाओ नमाज़ पढ़ो, ऐसा दिखता कि मेरे कुछ ऑर्डर दे रहे हैं। तो वो खुद जब उठते हैं, खुद उठकर चलो बेटा मैं 5 मिनट में मैं नमाज पढ़ने, आप लोग भी नवजू करके आ जाओ। ये अलग बात है कि मैं कर रही हूँ ये चीज़ तो आप लोग भी जुड़ जाओ, फ़र्क है कि ऑर्डर देना। तो यहाँ पर बाज़ माँ बाप का एकदम ऐसा हो जाता है कि नहीं एक दिन एक रात में इनको बिल्कुल वली बना देना है, नहीं, औलाद को वक्तन वक्तन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम क्या फरमाए, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतखव्वलुन अल-मौइज़ा मखाफत अस-सआमा वल-मलल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको वाज़ व नसीहत करते थे मुख्तसर और मौके की नज़ाकत, यानी वक्त को सा मुनासिब है किस अंदाज में बोलना है, कहाँ हम बेजार हो जाएंगे बोलकर। सहाबा किराम को नबी इतना ख्याल करते हैं और बात काम की जितनी है उतनी कहते हैं। तो आज बच्चों को बेजार करके लंबा लेक्चर मत दो, नहीं तुम ये बुराई करे, तुम ये गलतियां करे, पहले भी ऐसा करे थे, उस साल में भी ऐसे हुए, ऐसा करे थे, उस गली में भी ऐसा हुआ, तो उसके बुराइयां गिन के उसको डिप्रेशन में क्यों ले जा रहे हो आप, उसके अच्छाइयां गिनो। माशाल्लाह तुम गए साल पूरा रमज़ान रोज़ा रहे बेटा, माशाल्लाह नमाजों की पाबंदी करे, अब ये साल सदक़ात खैरात में भी इजाफा करो, यानी हर नेकी को बढ़ाते बढ़ाते उसको इंकरेज करो और उसको शाबाशी भी दो, और तुम्हारे सदक़ात के गले में मैं इतना डाल रहा हूँ तुम्हारे साथ बेटा, और वो ये चीज़ में बच्चों को मैसेज पहुंचता। तो माँ बाप बिजी होना ये बहाना नहीं है, आज फ़ोन के ज़रिए से बच्चों की खैर खैरियत, माँ तो अपने औलाद की शेड्यूल, स्कूल गए जब से या कॉलेज गए जब से, सुबह से बेटा क्या हुआ, कौसी क्लास में क्या पढ़े, क्या पीरियड में क्या हुआ, कौन सहेली मिली, ये पूरी जानकारी रखकर उसके बारे में काम की चीज़ मिलती है कि कहाँ बच्ची किसके साथ ज़्यादा दोस्ताने में रह रही और वो किस टाइप की है मालूम हो जाता, और किस बच्ची को या बच्चे को किस रास्ते पे लेके जाना है, तो उसके बाद बहुत सी चीज़ें मालूम होते हैं, क्योंकि दोस्ताने में खामियां और बुराइयां जल्दी फैलते हैं और नफ्स ख्वाहिशमंद होती कि बुराई को अपनाए, इन नफ्स अम्मारा तुम मिस्सू, हमेशा नफ्स ख्वाहिश करती है बुराई को अपनाने। तो आप उस बुराई से बचाने के लिए उसकी नेक सोहबत और नेक माहौल क्रिएट करके आप उसके साथ वक्त देना, जैसा कि आप उसकी खैर खैरियत पूछना, उसकी सेहत को देखना, उसकी पढ़ाई को पूछना, उसकी नमाज़ों के बारे में सबसे ज़्यादा पूछ होना, जुमे की नमाज़ को जाकर आता है तो बच्चे से पूछना बेटा इमाम साहब क्या बोले, कौन सा सब्जेक्ट था, आपको क्या समझ में आया वहाँ से। मगर आज आदत क्या हो गई कि बावज नमाज के टाइम पहुंच रहा जुम्मे को खुतबा सुना ना कुछ सुना, तो बच्चे क्या सुनेंगे क्या अमल करेंगे, अल्लाह रहम करे इल्ला माशाल्लाह। अच्छा शेख, ये जो यतीम बच्चे रहते हैं यानी इल्ला माँ बाप से महरूम है, इन लोगों को कौन तरबियत देना, इन लोगों को कौन यानी गाइड करना, पहली चीज़ यतीम का तो बहुत बड़ा हक है पूरी सोसाइटी में, पूरी सोसाइटी में। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजीलत में क्या बयान फरमाए, انا وكافل اليتيم في الجنه كهاته, मैं और यतीम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है उसकी पढ़ाई, उसकी देखभाली, उसकी खिलाना पिलाना जो कफालत करता है यतीम की काफिल कफील
यानी कफालत जो करता है, जिम्मेदारी लेता है यतीम का, मैं उसके साथ जन्नत में इस तरह रहूंगा बोलकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों उंगलियों को बयान करें। तो इससे मालूम हुआ कि सोसाइटी के अंदर अल्लाह ताला फरमाए अम्मल यतीम फला तक़हर, यतीम के साथ सख्ती और रूडली और उसके साथ मिसबिहेव मत करो, क्योंकि पहले से उन्हें ज़िंदगी का एक दुख खाया हुआ है, बाप से महरूम या माँ से महरूम, इस तरीके से। तो आप उसके वो दुख पे और दुख दिलाते हैं, तो उन्हें आप देखो ज़िंदगी में कोई बच्चा जिसके माँ बाप मौजूद है उसको कोई मारा, जाके माँ बाप को बोल सकता हाँ इसका तो दुख ऐसा है कि तुम जुल्म करेंगे तो इसको किसी को शिकायत करने के लिए कोई पीटी नहीं हो उसके हाँ पीछे। तो इसको बहुत ज़्यादा थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्ती के साथ मना करे कि इसके माल का हक कभी ज़ाया होने मत दो। आज कितने लोग जायजात में यतीमों का हक मार के खा के जी रहे हैं और वो उनके लिए जायज़ नहीं है, क्योंकि यतीम का हक पहले अदा करो क्योंकि वो मोहताज होता है। जायजात जब आई उसके वालिद की तो छोटी उम्र में था, उसको समझ नहीं थी, बड़े लोग बांट लिए, बच्चे का हक मार दिए। आज ये बहुत बड़ा बुरा मामला हो रहा है, जो अल्लाह ताला फरमाए जो यतीमों का माल खाता है तो वो जहन्नुम की आग अपने पेट में डालता है और वो अल्लाह के शदीद आदाब में शामिल होने वाला है। तो यहाँ पर यतीम बच्चे की देखभाली पूरी सोसाइटी की जिम्मेदारी है। अगर कोई टीचर स्कूल में जानता है कि बच्चा वालिद नहीं है इसका, तो उसको ज़्यादा केयरिंग करना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों फरमाए कि यतीम के सर पर मसह करना ये एक फजीलत का काम है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि सिर्फ उसके सर पे आप मसह करो, जस्ट सिर्फ एक केयरिंग फीलिंग देना, उसका इतना अजर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया कि उसके बाल के उतने नेकी आपको मिल जाते हैं। तो सुभान अल्लाह, आप सोचो कि कितनी बड़ी अहमियत है और कितने लोग उनका हक मार के और उनको भी ज़ाया कर रहे हैं और उनकी पूछ हमको सोसाइटी को पूरी रहती है। अच्छा शेख, ये आजकल के जो बच्चे हैं यानी उन लोगों के पास माँ बाप लोगों को यानी उनके पास फ़ोना है, आईपैड्स है और टीवीज़ है, यानी आप क्या समझते हैं इसमें सही क्या चीज़ है? यानी उसका से फ़ोन ले लूँ मैं, यानी फ़ोन नहीं रखना चाहिए उसके पास, या कैसा इसके साथ डील कैसा करना है? क्योंकि आजकल बहुत बड़ी आहली चीज़, आप अपने गेज देखो बच्चे की ईमान और अखलाकियात और सोहबत उन्हें किस रुख पर जा रहा, कैसा है उसका डायरेक्शन। अगर उन्हें पाबंद है तो उसको कोई डरने की बात ही नहीं है, क्योंकि उन्हें मुअस्सिर होता है, मुतासिर नहीं होता है। जो मजबूत बुनियाद जड़ें उसकी मजबूत है, उन्हें बुरे माहौल में भी गया तो उसको कोई खतरा नहीं होता है, मगर कुछ वक्त तक उसकी इसलाह करके फिर निकल जाना। बुरे माहौल में रहने का अपने को हुक्म नहीं है, मगर जिसके अंदर गट्स है और माशाल्लाह उसको तवक्कुल अल्लाह पे सच्चा है और उसका इल्म मजबूत है, ईमान तक्वा अल्लाह का सच्चा है, तो उन्हें कोई से भी जगह से गुजरे उन्हें मुतासर नहीं होता। अगर खैर है तो वहाँ माहौल में खैर में इजाफा करता है, और अगर शर है तो वो शर से कितनों को बचा सकता, बचा के निकल जाता है। दूसरा, अगर नहीं उससे कुछ बड़ी चीज़ गलतियाँ और उसकी निगरानी आप कर रहे हैं और देखे कि बड़ी गलतियों पर जा रहा, तो स्मार्टफोन हटा दो, दूसरा फ़ोन दे दो कुछ वक्त या तौर तक, जब तक कि उन्हें इस्लाह हो जाए। तो उसके साथ वक्त भी देना, आप उसके साथ लेके चलना, फिरना, उठना, बैठना, ताकि उसको माहौल चेंज करना। फिर ये चीज़ों के अंदर बहाना ऐसा नहीं देना चाहिए कि नहीं हमको भरोसा है हमारे बच्चे पे, बच्ची पे, ये सबसे बड़ा डेंजर भरोसा है। माँ बाप एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं, मगर हालात कुछ ऐसे आ जाते हैं जो बच्चे झूठ का सहारा लेके माँ बाप से भी छुपाना शुरू करते हैं। तो आप क्रॉस चेक करना ज़रूरी है और ये देखना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ आप देखो कुरान में अल्लाह ताला जिक्र करे हैं कि फिरौन की बीवी किसके माहौल में थी? फिरौन के माहौल में, उसके पैलेस में। फिर भी अल्लाह ताला ईमान वालों के लिए मिसाल दिए, वदरबल्लाहु मसलन लिल्लदीना आमनु, ईमान वालों के लिए ऐसा ईमान लाओ, इमरात फिरौन, फिरौन की बीवी जो नेक ईमान वाली थी, हालांकि फिरौन के तहत थी। इذ قالت رب ابن لي عندك بيت في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين। سبحان الله। उनका मिसाल और मरियम अलैहिस्सलाम का मिसाल, तो ये दोनों का मिसाल अल्लाह ताला ईमान वाले ख्वातीन के लिए दिए हैं। अच्छा। उसके मुकाबले وضرب الله مثلا للذين كفروا, काफिरों के लिए मिसाल किसका दिया गया? امرأة نوح وامرأة لوط, नूह अलैहिस्सलाम की बीवी, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी। अच्छा। नेक माहौल पैगंबर का घर है, उसके अंदर पैगंबर के ईमान पे ईमान नहीं लाए, उसके खिलाफ वर्जी करे, और नूह अलैहिस्सलाम का वाकया में उनका बेटा सगा खून के रिश्ता है। जब नूह अलैहिस्सलाम किश्ती जहाज बनाए और बोले बेटा तुम सवार हो जाओ, या बुनई अरकब माना, तो उन्हें बोला मेरे को क्या जरूरत है? तो
बेटा क्या जवाब दिया? قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء, अगर पानी तूफान भी आया तो मैं ऊंचे पहाड़ पे चले जाता हूँ, उतना तो लेवल नहीं जाता पानी का. तो नूह अलैहि सलाम क्या बोले? قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم, आज अल्लाह के फैसले से कोई बचने वाला नहीं सिवा जो अल्लाह रहम करेंगे उसको बचाएगा. फिर नूह के दिल में एक तड़प आ गई कि मेरा बेटा ही है, मेरा खून है, रिश्ता है, तो अल्लाह से दुआ करे नूह. क्या मांगे? قال يا ربي إن وعدك الحق, आपका वादा सच्चा है, وإن ابني من أهلي, और मेरा बेटा मेरा खून मेरा ही बेटा है, وأنت أرحم الراحمين, तो रहम कर दे यानी उसको बचा ले ऐसी बात करे. अल्लाह ताला रिश्ते ही कट कर दिए. قال يا نوح إنه ليس من أهلك, ये आपका रिश्ते में है जी. إنه عمل غير صالح, ये माँ बाप की नाफरमानी करना, अल्लाह के हुक्म के साथ चैलेंज करना, ये अच्छा काम नहीं है. فلا تسألني ما ليس لك به علم, خبردار उस चीज के बारे में सवाल मत करो जो आपको मालूम नहीं. नूह अलैहि सलाम इसमें ही तौबा कर लिया और फरमाए, قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. तो मामला किधर है? एक इंसान मुतासिर होता है जब उसके अंदर तरबियत कमज़ोर है, माँ बाप उसको शर और खैर की तमीज़ नहीं रखे और ना उसके अंदर ये चीज़ की एहसास और कामयाबी दिलाए उसकी पर्सनालिटी में. उसका ख़तरा है जो नया अभी माहौल को देखा ही नहीं, बच्चे को पैक करके डर के माहौल से लोग बाज एकदम कॉम्प्लिकेटेड ऐसा कर दिए कि बच्चा कहीं जाना आना नहीं मिलना नहीं, तो उन्हें जिंदगी भर आके कॉन्फिडेंट कुछ खरीदने के लिए भी उसको भरोसा नहीं करते. तो ये बच्चों को भी एकदम पैक ऑन कर दिया, आप लेके जाओ बच्चे को गाड़ी से उतारो, बंडी पे से दुकान पे से खरीदने जो उसको बोलो हिसाब कैसा करके, उसको ये चीज ना दिलाए तो अच्छा है, नहीं तो जिंदगी भर माँ बाप जिंदा नहीं रहते, कल के दिन उसका डर खौफ फोबिया में आ जाता कि कहीं बाहर निकलना पड़े तो उसको सोचना पड़ता. तो ये चीज माँ बाप अपने अंदर से देखना कि बच्चे का गेज करते हुए पहचान सकते कि बच्चा ये चीज से सोशल मीडिया से अच्छे काम में जुड़ा हुआ है या बुरे काम में जुड़ा हुआ है, इन्हें अच्छा फोकस कर रहा अपने नमाजों पे या उसका असर इसके ऊपर नमाजों में गफलत, दोस्तों में चेंजेस, उसकी सुलूक अखलाक में, ये रीड कर सकते आप आदमी. यानी तरबियत ऐसी देना जो तीसरा वाला तीर के जो दूसरों को बचाता वैसी वैसी बनना चाहिए. तो बच्चा यानी निगरानी भी रखने की जरूरत नहीं है, यानी बच्चा खुद ही से ईमान रखता कि अल्लाह का डर है मेरे को, नहीं अल्लाह देख रहा मेरे को, हमारे माँ बाप यही बुनियाद चीज है. अगर उसके अंदर खुद ये चीज अल्लाह का डर और अल्लाह की अहकाम की बड़ाई आ गई, ईमान की सच्चाई, तो उसको सिर्फ ईमानी माहौल से अफरोज करके अल्लाह ताला उसको वही चीज से हिफाजत करता. हाँ हाँ. अच्छा शेख, ये थोड़े लोग हैं यानी ऐसे वाले साहब आ रहे थे कि बच्चे को नमाज यानी पाबंदी बहुत करते, चाहे वो मार से करते, चाहे वो यानी कोई भी चीज़ से करे, बहरहाल नमाज पढ़ के ही रहता बच्चा, लेकिन तरबियत है ही नहीं बच्चे को. आप बोलते बाप को अरे तरबियत भी दो, बोलता नहीं नमाज से सब सीख जाता है. और दूसरा शक्कर एक ऐसा रहता, तरबियत अच्छी देता मगर नमाज को बोलता ही नहीं, बोलता नहीं नहीं नमाज पढ़ लेता बच्चा, यानी तरबियत अच्छी है तो नमाज पढ़ लेता बात. इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मुरु औलादकुम वहुम अबनाउ सबअ, अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दिया करो जब वो 7 साल के हो जाते हैं. तो आप 7 साल से लेके 10 साल तक उसको हर नमाज की रिमाइंडिंग करना है, हुक्म देना है. तो 3 साल का पीरियड आप उसको नमाज की ताकीद कर रहे हैं बोल बोल के. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले? वद्रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशर, जब 10 साल के होते नमाज के लिए सख्ती करो, अगर उतने 3 साल की बात नहीं माना तो सख्ती करो और मार के डरा के उसको नमाज के तरफ लेकर जाओ. मगर यहाँ पर जो लोग बिल्कुल छोड़ देते हैं कि मामला माँ बाप यानी वालिद ख़ास तौर से पाबंद है तो सख्ती कर रहा है, पहले ये हुक्म देने से पहले सवाल ये आता है क्या दोनों माँ बाप नमाज के पाबंद है? अगर ये लोग प्रैक्टिकल में पाबंद है तो ये लोग की बात और हुक्म देने का असर होगा. अगर माँ बाप खुद नेकी से नमाज से दूरी और गफलत में है तो बच्चे को 1000 बार भी बोलो उसके दिल में नहीं घुसी, क्योंकि देख रहा सो एक चीज़ अलग है. या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ईमान वालो तुम लोग क्यों वो बात कहते हैं जो तुम खुद अमल नहीं करते हैं. कबूरा मक़्तन इंदल्लाह, अल्लाह के नज़दीक ये बहुत बड़ी बुरी बात होती है कि तुम ऐसी बात कहे जो तुम खुद नहीं करते हैं. फिर एक माहौल ऐसा है जो वालिद अपनी सख्ती और गुस्सा और तेज़ी और बच्चों को छोटी उम्र से बड़ी उम्र तक वही सख्ती दिखाता है,
वो इसलिए कि बाप के डर से नमाज पढ़ते हैं बच्चे, हाँ यानी उन्हें नमाज पढ़ना नहीं चाह रहा, बस उनके खातिर पढ़ बाप रहा, ये का, तो बहुत बाप है। का डर से। हाँ तो मैं हत्ता के बीवी का भी माहौल वैसी हो जाता है कि शोहर के डर से, गुस्से से, या उन्हें झगड़ा करता, मारपीट करता, जहालत करता। तो सवाल ये है, आप देखो कोसे भी परेड ग्राउंड, पुलिस एकेडमी में, फौज में, मिलिट्री में, जो सुबह अर्ली मॉर्निंग परेड होती है, वो परेड में एक ही ऑफिसर सबको लेके चलाता है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, हाँ पूरी फौज उसकी स्पीकर की आवाज़ से एक ही नक्शे कदम खादा चलती है, हाँ गन अप गन डाउन, टेक राइट टेक लेफ्ट, पूरा को चलाता है, एक आवाज एवरीबॉडी इज ओबेइंग, इताअत हो रही, मगर हाँ वो लोग उसको दिल से चाहते नहीं चाहते फुल गालियां अगर अगर उन्हें न्याय आया देते तो अच्छा है, परेड नहीं हुई, मगर उसकी जगह दूसरे जगह चलाता है। सही है तो यहाँ इताअत हो रही मगर मगर दिल से नहीं हो नहीं हो रही। रहा सा तो यहाँ पर माँ बाप की एक अच्छी तरबियत के अंदर एक सुलूक होता है कि बच्चों के दिल में इस चीज़ की मोहब्बत पैदा करे, नमाज से उनको इंकरेज करते जाए। नमाज पढ़ा तो ज़्यादा उसके इनामात, उसको खुशियाँ, और मस्जिद वालों को, इमाम साहब को बोलना कि बच्चा है तो वहाँ पे चॉकलेट दे उसको, बच्चा है नमाज अच्छी पढ़ा तो, कुरान पढ़ा तो आपके साथ बच्चों। आज कितने मस्जिद में हल्क है, बच्चे कुरान पढ़ने के लिए क्यों नहीं आते बस ज्यादा, क्योंकि फुल मारते मोल उनको साहब। मारपीट का डर हाँ है, हाँ और मौल साहब जो पढ़ाते उसको ये आदत है कि बच्चों के साथ सख्ती करे तो सीखते हैं। नहीं भाई, हाँ उन्हें डर के आज याद करता, आपका डर खत्म होते तो वो पूरा भूल जाता, क्योंकि डर का टेम्पररी मेमोरी रहती। तो हाँ यहाँ पर ये सुलूक को हमेशा अख्तियार करना कि उसके अंदर से वो चीज़ पैदा हो जाना, वो खुद उसका कायल हो जाना, हाँ जब जाके उसके हालात में उसको एक चीज़ से डिलाइटेड और दिलचस्पी और सुकून रहता कि हाँ ये मेरी पसंदीदा चीज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों फरमाए, वो जो इलत कुर्रतु आईनी फिस सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक सुकून होता है। लोग जब नींद लेते हैं आंखों को सुकून देते हैं, नबी हाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे मेरी आंखों की ठंडक मेरी नमाज में है। तो आज नबी की जो सुकून की चीज़ है, हमारी उम्मत में लोगों को बेचैनी की चीज़ बन गई, इल्ला माशाल्लाह, बहुत कम लोग हैं। हाँ। और आजकल यानी मैं जो जो देखा हुआ माँ बाप यानी खुसूसा यानी वालिद साहब क्या करते हैं, यानी सुबह बच्चा फजर को नहीं उठ रहा, सीधा ग्लास का पानी लेके मुंह में फेंक दिए। यानी ये जो उम्र रहती है टीन एज जो बोलते हैं, ये इसकी नींद यानी शेख अलग नींद है, यानी छोटों से और बड़ों से बहुत हैवी नींद है। यानी 5 मिनट में उठोगे तो यानी नहीं हो सकता, बहुत हैवी पाना है। एक बात बोलता हूँ मैं, हमेशा ये बच्चों को और बच्चियों को ये बात बताया जाए कि आप अपनी आदत ख़राब करें टाइम टेबल सोने का, नमाज के वक्त के हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाइए। दिन के अंदर अगर आपके नमाज़ा मिस हुए और आपको दुनिया पूरी मिली तो आपको कुछ नहीं मिला। सही अगर उसके अंदर ये गलती का एहसास, चलो कभी कभार सोया इत्तेफाक से थक गया अलग बात है, इंसान से थकन, ये कभी कमज़ोरी कभी हालात वैसे आते हैं, मगर हमेशा का पेशा है ना, ये हाँ बहुत डेंजर है। नहीं यानी इस उठाने का तरीका उठाने का बोलो। तरीका भी बोल रहा हूँ मैं कि माँ बाप सख्ती कब करेंगे, जब देखेंगे कि उसका पेशा वैसी है, रोज़ ऐसा ही कर रहा, तो फिर आखिरी में उसको बुराई किससे बचाना है। जैसा कि अब आप सोचो घर में आपके बच्चे सो नहीं, बाज़ माँ बाप बोलते हैं अरे भाई डिस्टर्ब ना करो, कल एग्ज़ाम है उसको, कल वो है, वो हाँ चीज़ की अहमियत देते हैं, तो बच्चे के दिल में ईमान की अहमियत नहीं रहती। हाँ आप हमेशा रात में बच्चे को ये सुलाने से पहले बेटा कल फजर में उठना है, ये आवाज़ उसके दिल में दिमाग में रहना कि फजर की नमाज को उठना है, ये हाँ नहीं कि स्कूल को कॉलेज को, स्कूल कॉलेज सेकेंडरी है। पहली चीज़ आप अल्लाह से जो रिश्ता आपको अल्लाह ताला जुड़ाया है उसमें जुड़ो, आपके सारे चीज़ों से आपको जुड़ा देता है। जैसा कि आप अज़ान में सुनते हय्याल सला, आओ अल्लाह से कनेक्ट हो जाओ, सला सिला से है कनेक्ट, अल्लाह से कनेक्ट हो जाओ बोल के मुअज्जिन बोलते रहता, फिर उसके बाद क्या बोलता हय्याल फलाह, आपको आपकी कामयाबी से कनेक्ट कर देंगे हम। फलाह किसमें है, जब अल्लाह से जुड़ेंगे तो हाँ अल्लाह आपको कामयाबी से जुड़ाएगा। तो ज़िंदगी की कामयाबी इनकी बहादुरी, इनकी होशियारी, इनकी टॉलेंट, इनकी ट्यूशन, नहीं, अल्लाह की मेहरबानी एहसान जानो। तो ये पैदा होना, सख्ती रवैया कब काम आता, जब बच्चे के अंदर एक एहसास हो जाता अगर अब नहीं उठूंगा पानी आएगा मेरे मुंह पे, खुद ब खुद उठता, नहीं अब परवाह जैसे नहीं, कभी कभार हुआ अलग बात है, मगर हमेशा का
रफ यूज नहीं, उसको हमेशा उसको समझाना, बेटा तुम अलार्म लगाना, तुम मेरे से पहले उठ के मेरे को उठाना, उसको जिम्मेदारी आपको उठानी। फजर से पहले की सुन्नत की फजीलत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बिठाए उम्मत के लिए हुक्म के रकाता सुबह खैरु मिन दुनिया वा फिहा, ये सुबह के दो रकात जो सुन्नत है पूरी दुनिया की दौलत से ज्यादा बढ़ते हैं, ज्यादा है, बेहतर है। तो फिर फजर की नमाज कितनी अहमियत होती, इससे अंदाज लगा सकते। तो यहाँ पर अपने बच्चों के दिलों में इंकरेज करना और पूछना और अच्छे काम पे शाबाशी दे रहे, ये माँ बाप की तरबियत का बहुत बड़ा रोल होना चाहिए। अब बच्चा, अब जो माँ बाप बोलते बच्चा सोन दो थक गए, वो बाद में देखेंगे। सेकेंडरी जो नमाज को करते हैं ना, उनसे सवाल कीजिए, घर में अगर आग लगी तुम ही छपे आपको बचा लेके निकल जाते नमाज को? नहीं, वो लोगों को बचाना आपका काम है। इसलिए अल्लाह ताला हुक्म क्या दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, तू अनफुसकुम व अहलीकुम नार, तुम अपने आप को भी बचाओ, अपने अहले अय्याल को बचाओ उस आग से। तो दुनिया में आए ये अमल करना है जो जहन्नुम से बचने वाला अमल है, जिंदगी में दूसरा अमल कामयाब नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह ताला फैसला क्या करे, फमन ज़ुहज़िहा अनिल नार व उदखिला अल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नुम से सरका के बच जाएगा गोया के वो जीत गया, कामयाब हुआ। ऐसी कामयाबी जिसके पीछे कोई फेल नहीं, ऐसी जीत जिसके पीछे कोई हार नहीं। तो यहाँ पर माँ बाप का अंदाज उठाने का भी थोड़ा सा एक लिहाज रखना, कि हत्ता कि डॉक्टर आमी बोलते अगर आप नींद से जगे तो फौरन उठ के सीधा नहीं चले, थोड़ा बैठ के रिलैक्स होना, क्योंकि इंसान का खून का दौरान और सब चीज़ें वो होते। बच्चे को जब एकदम झटपट में उठा देते हैबत के मारे ऐसा उठ जाता, तो बस बच्चों के दिलों में एक चीड़ आ जाती है अंदाज से, कि भाई हमको आहिस्ता भी बोल सकते थे, क्यों इतना रूड रफ कर रहे हैं। हत्ता के माँ बाप के अलावा मस्जिद में जब जाते बच्चे छोटे, तो घर के अंदर से बच्चों को बताना चाहिए कि बच्चे मस्जिद के आदाब ये है, मस्जिद में शोर नहीं करना, मस्जिद में ऐसा रहना। तो छोटे बच्चे जब मस्जिद को जाते हैं, माँ बाप का फ़र्ज़ बनता कि बच्चा जब 7 साल का होता जब ही लेके जाना ज़्यादा बेहतर है, 5 साल में भी समझ रख रहा लेके जाओ कोई बात नहीं है। मगर बाज़ बच्चों को माँ बाप सिखाते नहीं मस्जिद के आदाब क्या है, अम्मा पकाने को फुर्सत नहीं है तुम लेके चले जाओ इसको। जैसा कि मस्जिद एक ऐसी बाजार है जो उधर कुछ भी कर लो मगर यहाँ डिस्टर्ब नहीं होना, वहाँ नमाजियों को डिस्टर्ब हो रहा तो वो बड़े लोग उम्र वाले लोग वहाँ चिढ़ जाते, बच्चों को कुछ भी अलफेल कह देते। हालांकि वैसा भी नहीं करना चाहिए बड़ों को, क्योंकि फ्यूचर की नमाज पढ़ने वाले बड़ी जमात इन लोग से ही पढ़ने वाली है। तो बच्चे को मस्जिद से मोहब्बत होना, मस्जिद से लगाव होना। मस्जिद में आने वाला बच्चा, मैं तो कभी कभार ऐसा ढूंढता हूँ फजर की नमाज में, जो छोटे बच्चे पाबंदी से आते हैं 2-4 दिन, मैं उसको एक जेब से चॉकलेट भी कभी पैसे भी दे देता हूँ। क्यों? ताकि फजर में आया वो उसकी नींद की कुर्बानी करके आया। उसके माँ बाप शायद उसको इंकरेज नहीं कर होंगे, मगर मेरा काम है कि मुसल्ली बना तो उसको और शाबाशी दूँ ताकि उसकी दिलचस्पी मस्जिद से लग जाए। ये करना ज़रूरी है, मगर बच्चों को झिड़कियाँ दे देना मस्जिद में, बच्चों को गिन देना बुराई, यानी उसके अंदर नफरत आ जाएगी मस्जिद और रुके और मस्जिद के माहौल से। तो मस्जिद की कमेटी का कहना है कि जो भी शख्स अपने बच्चों को लाता वो बच्चे को साथ में लेके सिखाना नमाज का तरीक़ा, ऐसा सुन्नत है, ऐसा करना है, तो उसको शोर और मस्जिद में डिस्टर्बेंस भी नहीं होता और उसको पहले से सिखा के ला के समझा के रखे। मगर बाज़ लोग ऐसे छोटे बच्चों को लाते हैं 3-4 साल जिसकी समझ ही नहीं है, तो वो पीछे बच्चों के साथ खेल के बड़े आवाज़ा भाग दौड़ करके खुशो खुशो मुसल्लियों का चले जाता। तो नबी सौसन जो एज दिए हैं 7 साल की, उससे पहले अगर उनके बच्चे में समझ अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है तो मस्जिद को लाओ, सिखाओ, बिठाओ बड़ों के सर का, तो उसमें इंकरेज होता। मगर सख्ती के साथ और एकदम बिल्कुल रफ रूड, एकदम जो उसको बज़न कर देना या उसको एकदम ऐसा एहसास देना कि आओ मस्जिद में ज़बरदस्ती से इस तरीके से और बातें भी सुनो और फिर बर्दाश्त भी करो, तो वो अपनी इज्जत और मुकाम नहीं महसूस कर सकता। ईमान वाला मुअज्जज़ है, नमाज पढ़ने वाला मुअज्जज़ है, अल्लाह की बंदगी करने वाले हमेशा एजाज में रहते हैं कि बंदगी की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ये चीज़ बच्चों के अंदर इस तरीके से, माँ बाप ये गलती ना करे कि बच्चों को नमाज से मुतनफ़िर कर दे, यानी नमाज से चिढ़ जाए, या मस्जिद वाले बच्चों को इस तरीके से सख्ती ना करे जिससे बच्चों का दिल मस्जिद से डर खौफ का माहौल बन जाए। और मौल साहब में जो कुरान पढ़ाते बच्चों को, सख्ती के साथ मारना डराना ये रवैये के बजाय उसको दिलचस्पी दिलाओ, उसको बेटा तुम ये कर लेंगे तुम्हारे लिए ये चॉकलेट मिलने वाला है, तुमको ये करने के लिए। बास को मैं देखा था तुर्किया में एक आइडिया निकाले माशाल्लाह से, और यहाँ पर भी
करे हैं बाज़ मस्जिद वाले कि जो बच्चे 5 वक्त की नमाज टाइम पे आएंगे रमज़ान के महीने के आखिर में उनको साइकिल रखे हैं, हाँ हाँ तो बच्चों की भीड़ माशाल्लाह अच्छी आ गई, 5 वक्त की नमाज पूरी पाबंदी करे और साइकिल लिए, मगर उसके बाद भी उनका दिल नमाज से जुड़ गया, हाँ एक चाहत लगा तो दी ये है, इंकरेज करना बेहतर है कि उसको डर खौफ बिठा के उसको मुतनफ़िर करना। सही, तो यहाँ पर देने का मामला मसाजिद के कमेटियाँ और मसाजिद के जिम्मेदार, बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देना ज़रूरी है जिसमें बच्ची की दिलचस्पी और मोहब्बत और लगाव आ जाए इससे। आज मदारिस में हल्के होते हैं कुरान के, सिर्फ आओ पढ़ो जाओ माँ बाप भेज देते हैं, नहीं मस्जिद वाले बच्चों को कुछ स्नैक्स देना, कुछ जूस देना, कुछ चॉकलेट देना, जो भी बच्चे पढ़ने आए, इससे क्या होता दूसरे बच्चों के दिल में भी एक तड़प आती, हम भी जाके खाएंगे, मगर उसके साथ खुराक भी मिल जाती। सही है। अच्छा अभी एक चीज़ सीख, यानी बच्चों में 5 टाइम की पाबंदी नमाज की कैसा लगाना, ये आपको मैं बताया था कि माँ बाप यानी ये रूल को फिट कर देना, वो चीज़ दिल के अंदर माँ बाप की दुआ पहले असर करती है औलाद के लिए। माँ बाप औलाद के लिए दुआ क्या करना, रब जालनी मुकीम सलात व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ये दुआ है कुरान में औलाद के लिए कि मुझको और उनको नमाज का पाबंद बना दे। फिर दूसरी चीज़ आप साथ में लेकर ख़ुद पाबंद होना और ख़ुद लोग को साथ में लेकर चलना, ये काम पे उनको शाबाशी इंकरेज करना और उनको ये भी एडवाइस करना कि तुम जाओ अपने दोस्तों को भी लेके जाओ साथ में, तो उन्हें क्या होता दाई हो जाता, तो जब उन्हें पीछे रहेंगे तो उसके दोस्तों उन्हें कह रहे तुम ही बोलते थे, तो उन्हें शर्म के मारे जाना शुरू कर, तो उसको रिचार्ज कराओ कि मुस्लिह बनो ना कि सालिह बनो। सालिह नेक इंसान बनना अच्छी चीज़ है अपने मगर अपने हद तक है, मुस्लिह दूसरों को भी इस्लाह में नेकी पे लेकर चलता है। वही तीसरा वाला वापिस जी हाँ, ये यहाँ पर इंसान के अंदर ये सिफत जब पैदा होती तो उसको ऐसा माहौल मिल जाता तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यूशन चलते रहता। अच्छा अच्छा शेख, मेरे को एक बेटी हुई, ओके, और कौन सी उम्र सही है उसको हिजाब पहनाना? बच्चियों को हमेशा हिजाब का कॉन्सेप्ट माहौल के अंदर आज थोड़ा सा कुछ रॉन्ग साइड जा रहा है, हाँ बहुत बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। उसकी वजह माँ बाप की गफलत और तसाहुल, ईजी ले ले रहे मैटर को, स्कूल के कॉलेज के माहौल और सोसाइटी के अंदर मीडिया जितने भी सीरियल्स आते फिल्म आते मुख्तलिफ चीज़ आते, ये पूरा बिगाड़ की तरफ लेकर जाता है। बच्ची की इज्जत और इसकी हिफाजत के लिए हिजाब का मामला माँ बाप के अंदर जब वो पाबंदी देखती है, और माँ का ख़ास तौर से रोल रहता है कि उसको यहाँ जैसा बालिग हो जाती है उस टाइम, उम्र कितनी उम्र है, उम्र बलूग का मुख्तलिफ है, 11, 12, 13, 14 ये साल वो होती है, और उससे पहले ही अगर उसको वो चीज़ की आदत डालती है माँ कि बेटा हमेशा बाहर निकले तो बाल ढाप के ऐसा करके, तो उसके अंदर खुद एक दिलचस्पी पैदा करना चाहिए कि मैं मेरी इज्जत मेरी मुखाम मेरी बहुत बड़ी कीमती चीज़ है जो मैं उसकी हिफाजत करने वाली हूँ, कोई दूसरा नहीं है। तो ये रोल माँ बाप का बड़े बहनों का जो इसकी अहमियत देते हैं हिजाब की और अपनी ये पाबंदी की, वो लोग खुद अपने बच्ची के अंदर इसकी दिलचस्पी और उसको महसूस होता कि हाँ मैं भी बड़ों के सर का पहन रही हूँ, हमेशा बच्चों के अंदर एक खुशी रहती कि हम बड़ों के नकल करें। आप देखते छोटे बच्चे बड़ों के शूज़ों में दादी नानी की चश्मा ले लेके पहन लेते हैं बच्चे, उनको घड़ी पहनने का शौक़ भी आ जाता बड़ों के सर का हम भी दिखना, तो बच्चों के अंदर अगर ये हिजाब और अच्छे चीज़ों की आदत आप दिखाएंगे और दिलचस्पी डालेंगे तो खुद ब खुद अल्हम्दुलिल्लाह पाबंद हो जाती है उसकी। नहीं लेकिन आजकल के यानी हिजाब कर रहे हैं मगर हिजाब हिजाब नहीं है, समझ रहा हूँ, ये दूसरी आफत है। हाँ, कि यहाँ पर ये भी एक दूसरा पॉइंट जो बुरखों में भी नज़र आता है, क्योंकि बुरखा डालने का मकसद अंदर के डिज़ाइन कपड़े कलर छुपाना था, अब बुरखे के ऊपर ही डिज़ाइन और फैशन आ गया तो उसके ऊपर और एक बुरखा पहनना चाहिए। हकीकत में शरीयत ये है वला युबदीन ज़ीनतहुन, आपकी ज़ीनत जो छुपे हुई है अंदर कपड़ों में
या कुछ लिबास में अंदर के वो नहीं दिख रहा बल्कि ढापा गया, तो तुम वही जीनत को बाहर से नुमाइश दिखा रहे तो फिर हर कोई देखने के लिए अट्रैक्ट होता है। वला युबदीन ज़ीनतहुन, और कोई अपनी जीनत और कलर या कुछ चीज जाहिर होने मत दीजिए, इल्ला मा ज़हर मिन्हा, सिर्फ जो तुम ढाप के चल रहे तो हवा से कुछ उड़ गया, नीचे से कुछ कलर दिखा, वो अलग बात है, अनजाने में होता। मगर वॉन्टेडली हम वो डिजाइन, वो नक्शे, वो बुरखे, वो ब्रांड, वो नाम, तो आपको बाहर से देखने वाला पहचाने तो ही नहीं, बच्ची यही पुरखा पहनती नहीं छे, तो उसको अजियत पहुंचने के लिए उसको आसान ट्रैक कर सकते, उसको टारगेट बना सकते। हाँ, और थोड़े दिन पहले ऐसा भी हुआ शेख, मैं एक रेस्टोरेंट में था तो देखा, मैं एक माँ और बेटी दोनों हैं, यानी माशाल्लाह बेटी उसकी छोटी है मगर उसकी माँ ऐसा बात करे जैसा कि एक बड़ी बच्ची, हाँ खाना खा लिया, इसके बाद कहाँ जाएंगे, घर को जाएंगे, खलास ओके। और दूसरे एक ऐसे भी शक्ल आ रहे थे, यानी अम्मा जो यानी बच्ची क्या की करती, पानी गिराती और यानी फुल आवाज़ रोने के ऐसा ऐसा, फिर भी उसकी अम्मा यानी उसको, हाँ बेटा क्या हो बेटा, जान दो बेटा जान दो। पहली चीज़ ये है, ज़िंदगी के हालात मुख्तलिफ उमूर से गुजरते हैं, बच्चों की ज़हनियत, उसके अंदर जो फीडबैक माँ बाप फीड करके बिठाते हैं, वो डेटा से वो लोग अपनी लिमिट के हिसाब से डील करते हैं। जो बच्चों को डील करना है कि छोटे रहने से, माँ बाप बड़ी गलती करते हैं कि बच्चा छोटा है, बच्ची छोटी है, अब इसको कुछ नहीं बोलना सिखाना, नहीं कुछ नहीं करना, गलत है। बच्चों को छोटी उम्र से ये डील इस तरीके से करना कि ये बड़े शख्स है मगर साइज़ उनका छोटा है, ये अंदाज से जब डील करते तो उसको अपलिफ्ट करते बड़ों के अंदाज में, जब उसको छोटे नज़र से देखते और उसको निगलेक्ट करते थे तो उसके अंदर और कमतरी एहसास और जहालतें बढ़ते जाते, क्योंकि आप उसको वैल्यू ही नहीं दिया। बच्चा है बच्ची है। तो यहाँ पर काफ़ी पेरेंट्स जब बच्चों को चॉइस देते हैं, बेटा आपको क्या चाहिए, ये तो एकदम अदब और एहतराम नहीं, वो तो रिस्पेक्ट करना ही है। अदब एहतराम ये तो एक कॉन्सेप्ट ऐसा है इस्लाम में जो किसी के साथ आप उसका अदब लिहाज नहीं करके करने का है ही नहीं इस्लाम, चाहे छोटा रहे चाहे बड़ा रहे। मगर इधर मेन चीज़ जो होती है कि जब बच्चे के अंदर खुद उस पर सेल्फ रिस्पेक्ट महसूस करता है तो अपनी इज्जत को गिराना नहीं चाहता है, उन्हें भी अपना बड़ापन दिखाता है। मगर जब बच्चों को बिल्कुल बेतरतीब किसी की तकलीफ हो रही, उसको डिस्टर्ब कर दिए, इसको कर दिए, माँ को ही परवाह नहीं है, तो फिर दूसरों को ज़्यादा परवाह नहीं रहती बच्चों में। तो वहाँ पर एक चीज़ हमेशा सिखाइए अपने औलाद को, अपने बच्चों के अंदर, कि वो शख्स बड़ा है मगर साइज़ में छोटा है, उसको बड़ों का रिस्पेक्ट जो देते वैसा ही डील करना। इसलिए ये चीज़ आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ मगरबी ममालिक में ये तहजीब रहती है कि बच्चों को सच्चाई के साथ बात करते, झूठ बोलने की आदत ही नहीं पसंद करते, और फिर बच्चों के अंदर हमेशा वो लोग उसकी इज्जत देते, बच्चा जो भी काम करता या बच्ची जो भी काम करती, फ्रैंकली ओपनली डिस्कशन और बड़ों की तरह। इसलिए वो लोग छोटी उम्र में बड़े समझदारी दिखाते, क्यों, उनको वैसा ही समझदारी से बात किया गया। यहाँ बच्चों को निगलेक्ट किया गया, उनको डिग्रेड किया गया, छोटे हैं बड़ों में वो अपने आप को ए ग्रेड कैसा समझेंगे। सही है। तो यहाँ पर माँ बाप का काम है कि बच्चों की वैल्यू कीमत कदर उनके अंदर पैदा करना कि वो काबिल रिस्पेक्ट है, काबिल लिहाज है। ज़्यादा से ज़्यादा माँ बाप जब अपने बच्चों को दूसरों से कंपेयर करते गिराते रहते, उनको गाली गलौज करते, उनको हमेशा डांटते रहते, ये सलूक और ये तरीक़ा बिल्कुल सही नहीं है। अच्छा, अब अभी एक चीज़, एक बार मैं सुपर मार्केट में था शेर, तो एक बच्चा रो रहा, जिद पे जिद, मेरे को दिलाओ दिलाओ दिलाओ, यानी मेरा भी दिमाग फिर गया था, मैं भी उसको जाके मारने आ रहा था, खामोश बैठा हुआ, इतना डिस्टर्ब किया, इतना यानी रो रहा रो रहा। तो इसमें यानी क्या करना, यानी रोते रोते फिर माँ बाप क्या कहते, अरे जान दो रो रहा दिलाए थे। ये माँ बाप की एक शिकायत आती है कि बच्चों में जिद पना आ गया। ठीक है, आपको मालूम बच्चा जिद्दी नहीं रहता, हम जिद उसके अंदर डालते। कैसा? माँ बाप डालते। मैं आपको बताता हूँ, कोई माँ अपने बच्चे को खाना खिलाती या बच्ची को, मगर वो बच्चे उनका मूड ऐसा रहता है, ख़ास तौर से एक साल के यानी 9-10 महीने के बाद से 1.5-2-3 साल तक वो लोग का मूड ऐसा रहता है खाने का कि इधर खेलते हुए, उधर फिरते हुए, उधर भागते हुए।
तो माँ के दिल में एहसास होता है, अरे भाई ने जितना खाना है नहीं खाया, बच्चे को और खिलाना चाहिए, उसकी उम्र बढ़ रही है, उसको ग्रोथ देना होना है। तो उसमें क्या करती, बच्चे को एक ही चॉइस पे रह देती है। हालांकि बच्चे के सामने अगर आपको इस चीज़ को मनाना है तो आप ज़बरदस्ती एक ही चीज़ डालते जाएंगे तो खाने वाले का मिजाज भी बदल जाता, बड़े भी आज बेजार हो जाते एक खाना दिए तो उसको मल्टी चीज़ें देते हैं, मगर कबाज़ वहाँ बच्चों का पेट भरे हुआ रहता, नहीं खाते। तो माँ समझती नहीं अब टाइम होगा उसको खिलाने हैं, उसको नहीं मालूम बीच में कितने चीज़ें खा लिया बाहर, यह मतलब बाहर की चीज़ें कोई खिलाए दिलाए, घर में कुछ चीज़ें यहाँ वहाँ फिर के खा लिया। तो बच्चे हमेशा खाएंगे जब उनको भूख लगेंगी, ये फितरत इंसान के अंदर ऐसी ही है कि भूख लगी तो खाया जाता, अच्छे से अच्छे ग़िज़ा रखा और आपका पेट भरा है आपको नहीं खाया नहीं खाया जाता। जाता। तो बच्चों के अंदर माँ क्या करती, अब बच्चों को खिलाने के बहाने बोलती बेटा खा लो, तुम्हारे अब्बू दुकान को लेकर जाके चॉकलेट दिलाते हैं। तो बच्चा जो सोच में आ जाता, अरे भाई खाना नहीं खाए तो और ऑफर आ रहे हैं, तो जिद उसके ने कैसा पहुंचती, ये ऑटोमेटिक मैसेज। अंदर अगर माँ बाप अगर बच्चे के अंदर जिद पैदा नहीं होना चाह रहे हैं तो बच्चे को ये बोलना, बेटा तुम खाना नहीं खाए तो तुम कमजोर हो जाते, तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारा दोस्त तुमसे ज्यादा ताकतवर हो जाता, हाँ इधर कंपेयर कामाता, सही है। उसके अंदर की चीज की कमी पेशी बताओ। अगर बोलेंगे नहीं अब वो तुमको बाइक पे कार पे ट्रॉल लेके जाते, तुमको पिकनिक पे लेके जाते, तुमको होटल को लेके जाते, तो बोलेंगे अरे भाई खाना नहीं खाए तो बहुत से ऑफर आ रहे हैं, उसके बाद उन्हें खुद ब्लैकमेलिंग करता, नहीं मेरे को पहले ये दो बाद में करना। आज वल्लाही मेरे पास कई फैमिली आते, वो माँ कहती है काउंसलिंग के लिए आते हैं, तो कहती है मैं मेरे बच्चा 15 साल का है, उसको मैं 500 रुपये दे के उसको लेके आई आपके पास, सिर्फ बस काउंसलिंग कुछ हो जाए मुझे, हाँ नहीं तो आने वाला नहीं था। अब अब सोचो इन्हें डिमांड कर रहा, और एक जगह तो उससे बड़ा डिमांड मैं सुना हूं कि अम्मा को बोला अगर तुम मेरे को मोबाइल दिलाएंगे तो मैं 10 पास करके आऊंगा, नहीं तो नहीं पढ़ूंगा। अल्लाह यकीन मानिए ऐसे ही जिद जो दिलाते हैं वो कोई और नहीं, हमारी एक आदत है, हाँ नहीं सही खाया तो उसको भूख पे रहने दो, जब भूख लगेंगे खुद खाता। सही है। और दूसरी चीज के माँ बाप जब बच्चे के अंदर एक आदत हो जाती, जैसा रोएगा वो उसकी अपील है, और वो अपील पे अगर जब जब के जब भी देंगे तो उसके अंदर ये आदत बैठ जाती, हाँ रो के चिल्ला जितनी आवाज करे उतना जल्दी मिलता, तो उसके अंदर एक चीज फिट हो जाती है। एक ही हथियार है उसके पास भी, और मैं कुछ भी नहीं इत्तेफाक से है। आज या कल एक बच्ची जिसको उसके बहना भी है, कुछ चॉकलेट सबके लिए लाया गया, मगर ये बच्ची जिद्दी है, नहीं मेरे को पहले देना मेरे को चॉकलेट होना, तो रोने लग गई, हालांकि उसको मिलने वाला है। तो उसके बहनों को चॉकलेट दिया गया, मैं खुद दिया मेरे हाथ से, तो वो बच्ची को बोलो आप रोना बंद करें तो चॉकलेट मिलता, जो नहीं रो रही उनको चॉकलेट मिलता। तो गौर कर रही फिर रो रही फिर बाद थोड़ा हेजिटेट हो रही, तो उसकी वालदा है सामने, बाद में उसकी वालदा क्या बोली, बेटा अगर आप हंसे तो उन्हें चॉकलेट देते, तो उन्हें रोना छोड़ के हंसना शुरू कर दिया। तो इससे अंदाजा हो गया, तो भाई वो वालदा को बोला देखो ये आदत मत डालो, बच्चे जब भी रोए नहीं उन्हें जिद्दी है रोती उसको दे दो, ये जिंदगी भर और बढ़ते जाएगा। तो वल्लाही उसी वक्त कि बच्ची हंसने लगी, हंस रही आंखों पे आंसू है मगर नीचे से हंस रही आवाज नहीं कर रही, तो उसको पहला चॉकलेट मिलते ही और हंसने लगी। तो कहने का मकसद यहाँ पर कि ये आदत हम बिठाते हैं उनके अंदर जिद पना, और ये चीजा हमेशा उनको ये चीजों की लालच नहीं देना, तुम ये करे तो ये मिलेगा, नहीं उनको बोलना तुम नहीं खाएंगे तो तुम भूख से तुमको तकलीफ होगी, तुम बीमार पड़ेंगे, तुम कमजोर हो जाएंगे, उसके अंदर की चीजा याद दिलाओ। तो बच्चों के अंदर छोटे बच्चे भी कांच के प्लेटा फोड़ते हैं, आवाज से एंजॉय करते हैं, चीज पुरजे पुरजे हो रही, मगर उसको उसकी वैल्यू नहीं है। तो माँ बाप जब डर खौफ उसके अंदर डाल देते तो बच्चे के अंदर एक कमतर एहसास शुरू हो जाता, डर खौफ इंसान को कमजोर करता, कॉन्फिडेंट लेवल को बहुत नीचे कर देता। इसलिए बच्चों के अंदर नफसियाती बीमारी कब आती, जब उनके माँ बाप उनके साथ ये सलूक बचपन से सही नहीं डाले। तो ये वाक़ा और जो इससे पहले का वाक़ा जो आप बच्चे की आवाज़ से चीख से चिढ़ जा रहे थे मारने जा रहे थे वो गलत है। आप बच्चों को बर्दाश्त करना, बच्चे बच्चे होते, उनकी सही है। जहनीत उनकी अकलियत के हिसाब से अपन नीचे नहीं जाना, बल्कि एक आदत रखना कि दूसरों को डिस्टर्ब नहीं हुए जैसा हम उसकी डिस्टर्बेंस कैसा कम करना, सही है। जिद का मामला नहीं है,
एक समझाने का और उसके साथ पहले से रिस्पेक्ट दे के उसको बड़े की तरह डील करे, तो उसको एहसास होता कि नहीं भाई मेरी भी एक इज्जत है, कहीं मेरी इज्जत गिर जाएंगी, तो उसको खुद अपनी चीज की केयर करना शुरू हो जाता, क्योंकि उसको सब जगह उसको रिस्पेक्ट दिए। मगर जब सबके सामने थप्पड़ मारे, गाली दे दिए, उसको इंसल्ट कर दिए, तो वो कहीं आपके साथ निकलना भी नहीं चाहेंगे, माँ रहो बाप रहो, बस मेरी इज्जत मेरे को प्यारी है, मेरे को कोई नहीं चाहता। ये खुदकशी के केसेस क्यों होते, 10 में फेल हो गया, वो हो गया, क्योंकि माँ बाप बहुत ज्यादा एक्सट्रीम एक्सपेक्टेशन लगा के, नहीं तू यही चलाना, नहीं लाया तो तू ओहंगा योहंगा, तेरे खानदान में इज्जत चली जाएगी, वो इतना डर खौफ डाल देते कि वो एग्जाम देने के सब्जेक्ट को भी भूल जाता। फिर जब फेल होता रिजल्ट देने से पहले जाके खुदकशी कर लेता, क्योंकि उसके अंदर कमतर एहसास आ चुका है। और ये हकीकत में बहुत डेंजर चीज है। लोग पहले से डिप्रेशन स्ट्रेस में रहते कुछ चीज से डरे हुए, आप कभी भी वो फेल हुआ तो उसको इंकरेज करो, नहीं बेटा फेल हुए तो क्या हुआ, इंशाल्लाह उससे बेहतर आप और करके लाएंगे। सही है। उसको अपॉर्चुनिटी चांसेस देना, नबी सौसों ये तरबियती अंदाज में बहुत अच्छा अंदाज अख्तियार करते थे। और ऐसा भी एक मिसाल है, आप देखो ये बहुत बड़ी गलती करते हैं माँ बाप, बच्चे छोटे रहने कभी चलते चलते ठोकर खाया, पैर फिसला, सीढ़ियों पे से गिर गया, जूते में पैर अटक के मार लग गया, तो माँ बाप क्या करते, बाज माँ बाप बच्चे को सुकून दिलाने के वास्ते, अच्छा ये टेबल से तुमको मार लगा, ओह बोल के टेबल को मारते, ओह बोल के वो दीवार को मारते। ये क्या होता बच्चे के जहन में, ये बच्चे के जहन में एक चीज पैदा होती कि कोई भी उसको तकलीफ दिया ना उससे बदला लिए बगैर नहीं छोड़ना है, चाहे अम्मा बाबा क्यों ना रहे। ये बहुत डेंजर तरबियत है। हमेशा बच्चों के अंदर जब ठोकर खाते गिरते ये परवाह नहीं, ये इजी ले लो कि हाँ बेटा देख के चलना था, तुम देख के चलो, हल्लू चलो, क्यों भाग रहे थे, उसका खुसूर उसको याद दिलाना ताकि उन्हें खुद एहतियात करें। अगर हर चीज में नहीं तुमको इनसे मार लगा, इनको वो करेंगे तो उसके जहन में एक रिवेंज का बदले के बगैर उसको सुकून नहीं होता। तो जिंदगी में माँ बाप भी अगर उसके साथ सख्ती करेंगे तो उन्हें भी बदला लिए बगैर नहीं छोड़ता। ये बहुत बड़ी बुरी तरबियत है, डेंजर है। हमेशा बच्चों की पर्सनालिटी में उसको काबिल कदर समझो, उसको रिस्पेक्ट दो, उसकी इज्जत बड़ी दिखाओ, और उसके कामों में कमी पेशी अगर गिरना है तो जब आप उसको गिरा देते और सबके सामने बोलता है ये हमारा पुट्टा ऐसा है, हमारी पुट्टी ऐसी है, नौजुबिल्लाह, ऐसे अल्फाज नहीं करना। आप हमेशा बच्चा अच्छा काम छोटा भी करा तो आप फोन लेके बात करें जैसा करो अपने रिश्तेदार, नहीं मेरा बच्चा माशाल्लाह बहुत नमाजी है और बहुत पाबंद है, हमारी बेटी बहुत पाबंदी से कर रही, घर को पूरा संभाल रही, वो तारीफा लोग के सामने सुना, उसके सामने उसको कैरेज होता। हमेशा नेगेटिविटी, नहीं तुम्हारी बच्ची अच्छी है, हमारे पास देखो मनहूसा है, फलान है, ये डिग्रेड के अल्फाज और नीचे गिराने की चीज ना इस्तेमाल नहीं किया जाए ज्यादा। और इस तरीके से एक मिसाल भी मैं बताता हूँ आपको कि बच्चे छोटी उम्र में 7-8 साल तक 9 साल तक वो लोगों को फीलिंग की मैसेज आती है। फीलिंग की मैसेज का मतलब क्या है कि अगर आप बच्चे को छोटी सी गलती करा या कुछ करा ये उम्र में 4-5 साल में और आपको गुस्सा आया तो आपको उसको आंखें उखाड़ के करके कुछ भी बोलो, अच्छी बात भी बोलो, मगर गुस्से से फलान तो रो देता और कमजोर हो जाता, डर जाता, फीलिंग अंदर आ जाती बन के, क्योंकि बच्चों का जहन फ्री रहता और वो लोग समझते कि पूरी दुनिया मेरी छे, मैं जैसा चाहे खेलूं करूं। जैसा उससे तोड़फोड़ शुरू हुआ और ये बच्चों में फितरत रहती, बच्चों को ये चीज में छूट देना, तो वो तोड़फोड़ के ऊपर माँ बाप इतनी सख्ती, इतनी डांट डपट, इतना मारपीट कर देते हैं कि उसके अंदर सहम जाता, खौफ बैठ जाता। ये फोबिया नहीं बैठने देना बच्चों में सबसे ज्यादा। तो क्या करते आप देखो, बच्चे को या बच्ची को छोटी उम्र में आप हंसते हंसते उसको एक जोर से भी मारो, उन्हें हंसते ही रहे। मिसाल है। और अगर आप इम्प्रेस फीलिंग का मैसेज जो लेता उन्हें वो देखता, उन्हें उसको बात समझ में नहीं आती, बाद में समझ में आती बहुत सी चीजें, मगर फीलिंग का मैसेज जो छोटी सिन में है बच्चों का, वो आपका इम्प्रेस देख के आपसे वो करता। क्या फायदा, आप अपने औलाद को चाहते मगर उनको सख्ती के साथ तोड़ देते। आप अच्छे अंदाज से, नरमी मिजाज से और अच्छे खुशहाली से और उसको इंकरेज करते हुए उसको इस्लाह करो कि वो खुद आपको चाहना ये चीज में। और हकीकत में ये बहुत बड़ी बुरी मिसाल है जो माँ बाप अपने बच्चों को सिर्फ मारपीट से
उनको इस्लाह करना ही, ये कभी मामला ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, मा काना रिफ्क फी शैइन इल्ला ज़ाला, कोई मामले के अंदर नरमी और हमदर्दी आएंगी तो वो चीज़ अच्छी जानदार मजबूत बन सकती है। वमा नुज़िअ अर-रिफ्क मिन शैइन इल्ला शाना, और जिस मामले में हर दरमी नरमी छीने जाती निकल जाती तो वो चीज़ बदतर हो जाती, बुरी हो जाती। यही हकीकत। और मैं यानी रिसेंटली एक जगह, यानी बहुत पब्लिक थी ऐसी जगह पे, तो नहीं मालूम एक अम्मा है और उसकी बेटी के साथ, नहीं मालूम बेटी कुछ करी तो यानी उसकी अम्मा ऐसा थप्पड़ मारी तो पूरे पलट के ऐसा देखा। ये बात भी बहुत ख़तरनाक है, जो बच्चों की इज्जत सबके सामने गिरा देते, और हाथ उठाना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ना किसी औरत पे हाथ उठाए ना किसी बच्चे पे हाथ उठाए, और ये तरबियती नुकात है। आज तक भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मेरे बच्चों पे कभी हाथ नहीं उठाया। तो हमेशा हर तरमी नरमी करने से ये चीज़ हासिल होती। तो कहने का मकसद कि बच्चों पे मैसेज जो आप देते हैं प्रेस से और अपने बात से, उसका असर बच्चों के अंदर रहता है, और कभी माँ बाप की बात बहुत गहराई तक जाके डिप्रेशन या स्ट्रेस में भी डालती है। तो हमेशा माँ बाप सपोर्टर्स बनना खैर में और हक में। अगर गलत करा तो माँ बाप हक का साथ देना और बच्चे को एहसास देना कि ये गलती में हम तुम्हारा साथ देने वाले नहीं है। यहाँ पर माहौल में ऐसा हो गया कि हमारा बच्चा गलत हो ही नहीं सकता, उन्हें किसी का लूटा मारा करा तो भी उसका ही साथ देते, और झगड़ा खानदान में हो जाता ना कि दो बच्चों में होता। तो ये बहुत डेंजर मसला है, इसलिए कि यही बच्चों के अंदर की जहनीत के अंदर समझ में आना कि नहीं मैं गलत करा तो सॉरी बोलना चाहिए, किसी के रास्ते पे मैं उसको तकलीफ दे दिया, एक्सीडेंट में से गलती हो गई तो लोग रोड पे झगड़ा क्यों कर लेते। अभी पुलिस आके रूल रेगुलेशन चलने वाला है, मगर अपना झगड़ा, जहालत, रास्ते बंद, खून खराबे, कई यो चीज़ें हम देखें। अगर वो लोग एक दूसरे को बोल दिया भाई सॉरी मेरे से गलती हो गई, मैं आपको बस इतनी बात ख़त्म हो जाता था। सही, अल्लाह रहम करे। अच्छा, और थोड़े शेख जैसा कि बच्चे, उन लोगों के पास एक यानी महारत रहती है अंदर से, चाहे वो ड्राइंग में रहो चाहे वो गाड़ी में, अच्छे स्किल्स है। अच्छे स्किल्स, ये एक चीज़ बहुत काबिल गौर है। माँ बाप जब बच्चों के अंदर एक शोर देखते कि उनकी एक स्किल अच्छी आ रही, लकीरा मारना तो ये तो पेशा है बच्चों का, इधर उधर अपना करते हुए रहते हैं, और वो चीज़ के अंदर आप उसको उस चीज़ को एक सही तरीके से, अगर उसको ड्राइंग का शौक़ है उसको कॉपियाँ लाओ, फिर उसको ड्राइंग सिखाने के कुछ बुक लाओ, उसके फील्ड के अंदर तो आपकी ये सारी चीज़ें नहीं होते हैं। बच्चों के शौक़ और अपना एक्सप्रेस करने का एक अंदाज़ अलग रहता, वो कभी हॉबी नहीं रहती, फजूल रहती। कभी मैं भी अपने प्लेना उतारूंगा, मेरे गार्डन बनाऊंगा मेरी दीवार पे, तो वो समझता है कि सब चीज़ मेरी है, जैसा चाहे मैं करूँगा। मैं छोटे बच्चों का एक वाक़ा मुझे याद आ रहा है, सर स्कूल में बच्चों दीवारों पर लकीरा मारते हैं, एक बच्चा इधर उधर करते हुए, तो प्रिंसिपल साहब खुद तो गुस्से में आके, कहाँ है वो बच्चा, उसको निकालो ढूंढो, तो कैच करे तो बच्चा हैबत खा गया। तो सर प्रिंसिपल साहब समझदार थे, उसको लेके आए बैकग्राउंड, स्कूल का जो ग्राउंड है वहाँ की एक दीवार और उसको पेंटा और सब दिए, बोले बेटा अब तेरा आर्ट स्किल निकाल गया। तो सही जगह पे इधर करो, तुम बहुत अच्छे वो कर सकते, यहाँ निकालो तुम्हारा। हाँ, यानी ये टैलेंट ऐसा वैसा नहीं है, यानी वो गाड़ियों पे भी जो स्टंट वो मारते हैं, ये भी एक बहुत महारत की चीज है, मगर जगह गलत है, गलत जगह पे, पब्लिक में नहीं इस्तेमाल करना। इसलिए कि बच्चों के अंदर आप देख सकते हैं कि कुछ चीज़ अच्छी उसके अंदर ग्रोथ हो रही, तो माँ बाप उसको किल करके ख़त्म नहीं करना चाहिए, उसको और टैलेंट बनाओ, उसको और समझदार बनाओ। बहुत से वाक़ात है, बड़े बड़े लोग जो बने हैं उनके बचपन के अंदर कुछ ऐसा मूवमेंट आया जो उसको हमेशा के लिए उसको मजबूत बना दिया कि ये चीज़ मैं अचीव करने तक नहीं छोड़ूंगा। थोड़े माँ बाप गाली गलौज से बात करते हैं, यही तो चीज़ है। सबसे बड़ी गलती माँ बाप के बच्चों के साथ इस तरीके से रवैया नहीं रखना चाहिए, गाली गलौज, तौहीन करना, तहकीर करना, उसको गिराना, ये बहुत डेंजर मसला। अच्छा शेख, ये जो गैदरिंग फैमिली की रहती है, यानी लंच के टाइम या डिनर के टाइम, यानी मैं देखता हूँ बहुत, यानी घरों में यानी वालिद साहब पहले आ जाते हैं, खाना खा लेते हैं, फिर बच्चे दो घंटे के बाद एक घंटे के बाद आते स्कूल से, फिर उल्ला खा लेते, फिर यानी ये गैदरिंग करना ज़रूरी है या, और गैदरिंग करे तो पूरे अपने मोबाइलों में, इसका यानी कुछ हकीकत में ये घर का एक सिस्टम होता और ये घर की औरत के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड होता, और आदमी भी अगर इसका उसूल बना लिया तो आप घर के 10 मेंबर है, एक एक मील 10 टाइम अलग अलग सर्विस होती रहती, काम भी डबल होता,
थकान भी अलग होती और मुलाकात भी ख़त्म हो जाते हैं। खाने के टाइम जब इकट्ठा होते हैं, खैर बरकत है ये। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सहाबी को बताए थे कि शायद तुम लोग खाना तन्हा तन्हा अलग अलग खाते हैं, इसलिए तुम्हारे घर में खैर बरकत नहीं हो रही है। अच्छा, बहरहाल ये बैठक जो होती है 5-10 मिनट की, कम से कम खैर खैरियत तो मिल जाती है एक दूसरे की। हाँ। एक दूसरे के हालात क्या चल रहे हैं, किसका काम क्या हो रहा, हाँ। वालिद साहब की तबीयत, वालदा की तबीयत कैसी है, कौन बुखार में है, कौन सेहत में है, किसका क्या टेंशन, कम से कम एक एक गैदरिंग का एक बहुत बड़ा असर होता है। हाँ। मगर बस घरों में ये चीज़ को पॉजिटिव नहीं लेते हैं, यानी कि माहौल क्रिएट हुआ तो सिर्फ नेगेटिव बात, झगड़े की बात, जिसकी वजह से कोई एक दूसरे का दिल खाने पे भी उठ जाता। और पूरे फोनों में क्या, फ़ोनों का तो खैर वो तो फितना चलते रहता है हमेशा। हालांकि उस वक्त खाने के वक्त इंसान का हाथ खाने पे और तवज्जो उधर रहता है, साथ आस पास में रहने वालों की एक वैल्यू रखता। फ़ोनों पे तो काम ख़त्म ही नहीं होते, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती। ये मौका बहुत गनीमत का मौका है, एक दूसरे की गेट टुगेदर मालूम हो जाता, खैर खैरियत, ख्यालात, उमूर, कामा। इत्तेफाक से चलो एक मील नहीं हो सकता है क्योंकि कॉलेज स्कूल वो है, कम से कम सुबह और डिनर दो टाइम, रात सुबह शाह, कम से कम इसमें तो गैदरिंग हो जाना चाहिए एक टाइम में तो। एक टाइम कम से कम। हाँ। और दूसरी गैदरिंग बच्चे माँ बाप के साथ फजर की नमाज को जब उठते हैं, ये अच्छी गैदरिंग का टाइम है, बरकत का टाइम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, बूरी कली उम्मती फी बुखूरिहा, मेरी उम्मत को अल्लाह ताला बरकत रखा उसकी पहले वक्त में दिन के। मगर क्योंकि रात में जगने की आदत सबके अंदर आ गई, फजर की भी अहमियत नहीं रही, सुबह के बरकत का वक्त के भी अहमियत नहीं रहा, क्योंकि काम से मतलब रखे दुनिया के और आखिरत के काम से गाफिल रहे, तो वो नुकसान बहुत है। और आजकल के यानी घरों के सिस्टम में भी शेख, हर जने अपने अपने रूमों में, यानी खाना भी उसके रूम में ना मिलते ना करते, गैदरिंग इस नहीं। यानी मेरे जब माँ बाप है, अगर मैं बाहर हूँ जब तक घर को नियास होते नहीं, कहाँ हैं, कब आ रही, दोस्तों के साथ इधर है, ठीक है आओ तुम्हारा इंतज़ार करें, जब तक नहीं है जब तक नहीं। लेकिन थोड़े घरों का कौन कौन से रूम में है, कौन क्या कर रहा रूम में, एकदम हाइच नहीं है। बस जगहों पे बस बच्चे भी चिढ़ जाते कि माँ बाप क्यों पूछ रहे हैं हमसे, कहाँ जा रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं। वो थोड़ा टीनेज में अपना एक बड़ापन आ जाता, तो समझते हम खुद समझदार हो गए, हम बड़े हो गए, हमको कोई नहीं बोलना। हालांकि तुम और तुम्हारी उम्र से ज़्यादा तुम्हारे माँ बाप ही है, और वो लोग को पूछने का हक भी है, और तुम अपनी मनमानी करके नहीं भाई बहुत बड़ा समझदार हो गया बोले तो महरूम हो जाएंगे कम से कम माँ बाप की दुआ और उनकी फर्माबरदारी से। बाज़ वक्त कुछ बात होती है, वालदा मेरे कहते हैं कि फलान बेटा ये खा लो, छोटे रहने मेरे को याद है, वो चीज़ मेरे को पसंद ही नहीं आती, मगर दिल में एहसास होता कि अल्लाह तो उन्हें हुक्म दिया माँ बाप की फर्माबरदारी करो, चलो माँ का दिल नहीं तोड़ना, अल्लाह के लिए खा लो। हालांकि वो चीज़ मैं ही नहीं खाता, मेरी आदत नहीं, मगर एक तरबियत ऐसी थी कि अल्लाह के हुक्म के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए चलो मामला क्या है, थोड़े से कंप्रोमाइज़ मैं करूँगा और उबे और इताअत गुजारी में आ जाऊँगा। अच्छा, थोड़े यानी जो वालिद साहब हैं बहुत लोगों के, हमेशा बाहर, यानी जॉब को जाके आते, आने का थोड़ा सो जाते, फिर उठ के दोस्तों के साथ रात के 12 बजे आते, यानी फैमिली को टाइम ही नहीं देते, इन लोगों का क्या बोलेंगे आप? हकीकत में एक मामला है जो टाइम का मसला है, ख्वातीन अक्सर शिकायत करते हैं कि इनको दूसरों के लिए फुर्सत है, हमारे लिए फुर्सत नहीं है, और 24 घंटे बाहर बस मामला, सोने के लिए घर। मामला एक चीज़ होती है कि बाज़ मर्द हजरात को बाहर उनको वैल्यू और बड़ा मुकाम, उसकी इज्जत, उसका रिस्पेक्ट है। वही आदमी घर में आओ, घर की मुर्गी दाल बराबर बोलते ना, वो हिसाब किताब में उसको चिल्लर उसकी वैल्यू ही नहीं रखती, तो उन्हें क्यों पसंद करेंगे जिधर उसकी वैल्यू नहीं है, उन्हें वहीं पसंद करेंगे जिधर उसकी वैल्यू, उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उसको इज्जत दे रहे हैं, उसको कर रहे हैं। तो यहाँ पर शोहर बीवी के मामले, झगड़े, मसाइल कभी घर से भी इंसान को बजन कर देते, मगर जितनी भी जिम्मेदारी अल्लाह ताला दिया उससे एस्केप होने के बजाय चलो तुम बच्चों के खातिर तो आके बच्चों के साथ टाइम तो स्पेंड करो। चलो झगड़ा तुम्हारी बीवी का है, उसको इस्लाह करने के लिए टाइम लग रहा, अल्लाह से दुआ करो। मगर माँ बाप हमेशा अपनी ज़िंदगी में हर कोई एक दूसरे पर ढकल देना जिम्मेदारी गलत है, दोनों की जिम्मेदारी है, दोनों को निभाना है, एक पार्ट उनके तरफ से एक पार्ट इनके तरफ से, और टोटली ऐसा छोड़ देना तो बच्चों के अंदर क्या होता कि कोई कुछ पूछने वाला ही नहीं है, तो हम जो चाहे करेंगे। तो इसमें बहुत बड़े डेंजर स्टेज भी आ जाते हैं बाज़ वक़्त। यानी वालिद साहब क्या करते, प्रायोरिटी किसी और को ज़्यादा देते,
ये गलत है प्रायोरिटी दूसरों को देना इस बीस पे कि अपनी औलाद को ज़ाया करना। अल्लाह सुब्हान व तआला जब हुक्म दिया कि बच्चों को नेक सालेह बनाने के लिए आपका काम है, उसको हिदायत और रास्ता दे देना और बताना कि ये खैर ये शर है, ये भला ये बुरा है, ये नेकी है ये बुराई है। अल्लाह ताला आपको यहाँ पसंद करता है, हम भी तुमको इसमें पसंद करते हैं। ये चीज़ अल्लाह नहीं पसंद करता, हम आपको ये जगह पे रास्ते पे देखना नहीं चाहते। तो वो चीज़ का एहसास दिलाने के बाद बच्चा जब बालिग हो जाता उसको रिमाइंडर डालते रहना। अच्छा खास लास्ट इंशाल्लाह अभी ख़त्म हो जाएगा। ये क्या शेख, यानी थोड़े बच्चों में यानी रिच फैमिलीज़ में बोलूँ मैं आपको, बच्चा जो एक्स्ट्रा चीज़ें पूछता है, मेरे को ये चाहिए मेरे को वो चाहिए, तो इन बच्चों के अंदर डिमांड ज़्यादा, जो मिडिल क्लास लग्जरी लाइफ, हाँ जो मिडिल क्लास के औलाद थोड़ा बहुत हैंडल कर लेते, मगर जो यानी मुरफ्फा हाल जो रहते उनका बच्चा बोलते कि सौंप देते उसको, ये यानी ये चाहिए मेरे को वो चाहिए सौंप देते, यानी परवाह नहीं है उन लोगों की। ये माँ बाप के अंदर एक थोड़ा सा इस मामले को ठीक करना चाहिए। मेरे पास बड़े बड़े बिजनेस मैन हैं जो दुबई में भी बड़े ताजरा हैं, और परसों तक भी हमारे सऊदीया का एक बार ट्रैवल एजेंट जो दुनिया में माना हुआ है, वो नाम से मशहूर मारूफ है, वो बोलता है कि मैं जब तक मेरी बीवी बच्चों के साथ जाता हूँ, तो अगर बिजनेस क्लास मैं बीवी के लिए मेरे लिए लिया, बच्चे इकोनॉमी में बैठते हैं पीछे मेरे सामने नहीं आते, हालांकि फ्री मिलता मेरे को बिजनेस क्लास। क्यों? क्योंकि मैं बच्चों को बताना चाहूँगा कि तुम लोग कुछ करेंगे तो तुम हासिल करेंगे वो जगह। अगर हर चीज़ जो चाहे मांगा उसको दिला दिए उसको दे दिए, उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं आता, मैं कह को करूँ काम का आईदी सुस्ती काहली आप ही पैदा कर दिए, तो उसको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो कोई चीज़ को अचीव करने के लिए उसके पास वो भी नहीं है। अब आप देखो दुबई का एक बड़े बिजनेसमैन मारूफ है, टोयोटा कार के डीलर है सालों से, वो कहता है कि मैं बच्चे को अगर काम ढूंढता तो मैं बोला प्राइवेट कंपनी में कहीं भी काम करो एक साल, फिर उसके बाद आओ मेरे को बताओ क्या कमाए। वो मामले से वैसा चल रहा। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसे बड़े बड़े बिलियनर्स पैसे वाले, उनके पास इस्तेतात होने के बावजूद भी, अब दुनिया का ये बिल गेट्स का देखो, उसके पास कितने काम वाली हैं कमरों में घर में, समझ रहे, काम वाली नहीं है कोई भी, खुद अपना काम कर लेते और कभी कभार एक को वो करते हैं बस। वो अजीब जिंदगी है। हालांकि हमारे पास थोड़े पैसे आते हैं सबके सामने शो ऑफ करने की आदत है, यानी ये बच्चे को यानी नई आईना होना नई घड़ी होना वो सब दिला देते। तो ये बच्चे के अंदर जब ऐसी चीज़ें हासिल होने में उसको कोई मेहनत मशक्क़त नहीं होती तो इजी कम इजी गो, तो उन्हें डिमांड है उसके बढ़ते जाएंगे। आज उसको ये गाड़ी होना नहीं पसंद है, उसको और एक गाड़ी होना, वो नहीं पसंद है उसको प्लेन होना। अब तुम्हारे लिमिट के हिसाब से काम करेंगे। कल के दिन यही बच्चा तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा। क्यों? तुम जब तक दे रहे थे तुम्हारी हाँ में हाँ मिला रहा था, तुम जब रोकेंगे तो तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। ये सारी चीज़ें बिगाड़ के है, दुश्मन कहीं बन जाएगा, क्योंकि उसकी चीज़ नहीं दिए, उसको समझ में आ गया कि मेरा हक है, ये लोग मेरा हक रोके बैठे, तो उसकी जहनीत ऐसी बन गई, रिलेशन वहां से हो गया। इसलिए आज माँ बाप अगर बच्चों को सिर्फ यही सिखाएंगे कि हम आपको खिला रहे हैं पिला रहे हैं दिला रहे हैं कर रहे हैं तो हम अच्छे हैं, जिस दिन माँ बाप की हालत कमज़ोर हो गई या कर्जे या नुकसानत हुए, उस दिन से माँ बाप बुरे, हमारे काम के नहीं है, बेकार है माँ बाप, नऊज़ु बिल्लाह, दुनिया का रिलेशन दुनिया के हद तक किल कर देता। इसलिए आप बच्चे के अंदर हमेशा तरबियत अल्लाह का डर और अल्लाह ताला माँ बाप का दर्जा दिया, माँ बाप का हुकूक तुमको अदा करना चाहिए, माँ बाप की इज्जत करना चाहिए, और ये सलूक घर की औरत और वालिद शोहर जो अपने दादा दादी नाना नानी के साथ जैसा बर्ताव करते वो सुलूक खुद ब खुद इन लोग के अंदर आएगा। इसलिए कहते हैं माँ बाप की फर्मा बरदारी दीन उन व दीन, अरबी ज़बान में कहा जाता है कि ये खर्जा भी है और ये दियानतदारी भी है। दियानतदारी कि अल्लाह ताला हुकुम दिया दीन में कि माँ बाप का टेक केयर करो, और खर्जा कि कल के दिन तुम्हारे औलाद तुमको वही चुका के भरेंगे। अल्लाह रहम करे। तमाम मैं बोलता हूँ यानी ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ख़ुद के जेब से करना चाहिए उसको, और ख़ुद के डिपेंड से करना चाहिए, कहीं को तो खसारा होने अपने जेब पे रखता, दर्द रहना उसको। हाँ, और एक्स्ट्रा चीज़ यानी हमारे भी माँ बाप नहीं देते थे, मगर जब एक्स्ट्रा चीज़ होना था मेरे को देते, मगर एक शर्त पे। कैसा शर्त? यानी ठीक है चाहिए तुमको एक पारा कुरान का याद करो मिलेंगे, या फिर यानी ये क्लास पास करो अच्छे मार्क्स लाओ मिलेंगे,
और मैं मांगता भी क्या था, यानी ज़्यादा बड़े चीज़ों से, ये फ़ोन चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, मगर जो असल यानी चीज़ें चाहिए मेरे को डेली यूज़ के, वो सब ऑफ़र करें मेरे को। गाड़ी नॉर्मल मगर अच्छी नहीं, ओके, यानी गाड़ी गए लाए सर के वैसे, सब चीज़ ऑफ़र करें मेरे लिए, मगर जो टॉप टॉप चीज़ें हैं वो चीज़ें खुद के जेब से लाना चाहिए, यानी आपके बाप के ऊपर नहीं डालना चाहिए, कोशिश नहीं, करके खुद से ये लाना तो नबी चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हेलो या माशर शबाब, ऐ नौजवान लड़को, मन इस्तता मिनकुम अलबाअ, जिसके पास कमाई की जरिया हो गई और उसके जेब में पैसा आना शुरू हुआ, तो जब जाके तुम खर्चा कर सकते, तो जब निकाह करो किसी को तुम्हारे जिम्मे में लेके उसके ऊपर भी खर्चा करो। हाँ फमन लम यस्तता, जिसके पास इस्तता नहीं हुई कमाई की, करने की, संभालने की, हाँ फअलैहि बिस्सौम, कुछ दिन तक तुम रोजे रहो करो, वो रोज़े तुमको भी सेहत में रखती है और तुम्हारी यानी कि ये इंसान की फितरी चीज़ जो इंसान को बुराई की तरफ लेके जाती है उसको रोकथाम करती। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवानों को बोले, बच्चियों को नहीं बोले, क्योंकि बच्चियों के ऊपर कोई जहेज वहेज का मामला नहीं मामला है, नहीं है। मामला हाँ बच्चों के ऊपर है। तुम हाँ जिसकी सकत आ गई तो उसको चाहे निकाह करे। तो कब करते ये, जब बच्चा खुद अपने पैरों पर ठहर कर कमाता जमाता, जब उसे दूसरों को भी संभाल सकता। ये इंशाल्लाह शादी के एपिसोड में आएगा, बहुत इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग रहेंगे ये। और शेख बाज़ हज़रात यानी स्मोक करते हो लोग, और उन लोगों के बच्चे स्मोक नहीं करना चाहिए वैसा उन लोग चाहते हैं, उन लोगों के बच्चे स्मोक नहीं, इन लोगों के लिए क्या बोलना चाहेंगे? पहली चीज़ के अपनी ये गलत आदत है और हराम भी है, तो आप पहले से बच्चों के साथ बता देना कि अल्लाह ताला से दुआ करो कि मैं इससे छुटकारा मिल जाए, और वो कोशिश सीरियसली करना, क्योंकि एक शरीयी हुक्म है इसके ऊपर। तो वो चीज़ अपने माँ बाप सबसे ज़्यादा कि अपनी अच्छे आदतों को सामने रखे, और ये बुरी आदत अगर है तो बिल्कुल किसी के सामने आने मत दो, कम से कम इतना तो कर सकते हैं, हाँ और अल्लाह से दुआ करो और असबाब भी तलाश करो रास्ते मिलते छुटकारा होने हाँ के लिए। ऐसा हाँ नहीं कि बहाना कर लिए कि बस हम इस पे एडिक्टेड हो गए, ज़िंदगी भर नहीं छोड़ सकते। हाँ कई लोग सालों साल करने के बाद भी छोड़ दिए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लाइफ ज़िंदगी अच्छी हो गई हाँ उनकी। अच्छा लास्ट में खास शेख, आप क्या यानी तरबियत में ज़्यादा किसके ऊपर फोकस करना, क्या क्या टिप देना चाहेंगे आप यानी इस इसमें चीज़ तो पर? अल्हम्दुलिल्लाह आज की बैठक में बहुत चीज़ों का खुलासा हुआ, मगर इसमें एक अहम चीज़ है कि माँ बाप औलाद के हक़ में दुआ करना, कभी माँ बाप बद्दुआ नहीं देना, और दूसरी चीज़ बच्चों से खैर की उम्मीद रखना, और अल्लाह ताला से हमेशा उनको भलाई और इस्तेकामत के लिए दुआ करते हुए उनको नेक माहौल से जुड़ाना, बुरे माहौल से उनको हटाना, उनको मुस्लिह बनाना, और उनके अंदर की अच्छाई की शाबाशी देना, इंकरेज करना, और बुराई की उनको अकेले में एहसास दिलाना कि तुम सब चीज़ में अच्छे हैं, एक चीज़ में क्यों बुरे होते, डिस्करेज नहीं करना उसको टोटली, हमेशा उसकी इज्जत और लिहाज करते हुए उसको हमेशा प्लेटफॉर्म उसके साथ में देते हुए उसके अंदर खुद अल्लाह का तकवा डर बिठाना, ये मेन चीज़ है। अगर उसके अंदर अल्लाह का डर आ गया, उन्हें अल्लाह के डर से हर बुराई से शर से महफूज होता, और हर खैर में आपको दिखेंगे अर्शा। हाँ इंशाल्लाह। अच्छा लास्ट सवाल शेख, ये थोड़े यानी बच्चे जो है अपने वालिद साहब के सामने एकदम शरीफ ऐसा दिखता, और जैसा वालिद साहब कहीं भी जाता इतना शरीर निकलता, यानी जब वालिद साहब रहते कानून पे चलता ऐसा, वालिद साहब जाते खास दूसरा इतना रह इसका जाता, इलाज यही और उससे है, पूछते हैं आप अरे ऐसा, तो बोलता हाँ मैं वालिद साहब के सामने उनकी इज्जत करता हूँ, जाते मेरी जो मनमानी है मैं करता हूँ। ये तरबियत की किल्लत, और उसके अंदर अल्लाह का डर नहीं आया सही तरीके से। मैं इसलिए क्यों बोला, अल्लाह का डर बिठाओ कि अल्लाह तेरे को देख रहा, अल्लाह तेरे को सजा देगा, माँ बाप टेम्पररी सख्ती करेंगे, तेरे को कुछ चीज़ों से रोकेंगे, तू तेरी ख्वाहिशात के वास्ते अपनी चापलूसी क्यों कर रहा, तू जो अंदर है बाहर वही सही बन। सही है। तो इसमें हमेशा माँ बाप सख्ती करना अच्छी बात है, मगर ऐसा नहीं कि उन्हें आपके डर से ज़िंदगी जी रहा है, रिएक्शन आपका नहीं लेना, उन्हें रिएक्शन और एक्शन अल्लाह से लेके जी। आपके ऊपर अगर कोई गन उठाया और बोला ये करो, फौरन आप डर के मारे वो कर लेते, फिर गन हटा दिया, तो हम अपने बच्चों को कभी ऐसी तरबियत नहीं दी कि ज़बरदस्ती से फोर्स करके वो करके, नहीं, उसके दिल में ये चीज़ की सच्चाई और इसकी अहमियत और उसकी फजीलत और उसका मामला मुखाम कितना बड़ा होता है, और उसको छोड़ने से उसके क्या नुकसान होते, उसको कितना शर और कितना बड़ा अल्लाह ताला करने से गुनहगार होता, सज़ा कैसी है, वो बिठा दिए तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी है। सही तो है। हम कभी भी बच्चों को ये चीज़ पे ज़बरदस्ती डरा धमका के डर खौफ से, नहीं, अल्लाह का डर खौफ आ गया तो बस है, कल के दिन वाले सब कहीं जाएंगे, सफर रहेंगे वालिद हमें। साहब मर गए तो भी उसके अंदर अल्लाह का डर खौफ रहना चाहिए। हाँ ठीक है इंशाल्लाह, जज़ाकअल्लाह खैर शेख, हयाकल। उम्मीद है आप लोग एंजॉय करें ये एपिसोड में, इंशाल्लाह आने वाले एपिसोड में मिलेंगे इंशाल्लाह बिन अल्लाह। यल्ला अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह ताला कबूल करे, और ये बातों से अल्लाह ताला हमको आपको अमल की तौफीक दे।
और हमारे बच्चों की अच्छी तरबियत करने वाले, इस्लाह करने वाले बना दे। आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि नबी मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन। और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड रहेगा शादी के बारे में, बहुत डिटेल्स रहेंगे इंशाल्लाह शेख के साथ, तो इंशाल्लाह देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में आपको। अस्सलाम वालेकुम।